Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. एवरीवन वेलकम टू जे केमिस्ट्री. सो गाइस, क्रैश कोर्स में अभी तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ग्रुप थ्योरी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड केमिकल बॉन्डिंग. तो आज अपना ये 4th चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स. ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती, अच्छा पहले जो चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है. और जो स्केड्यूल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना. अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम तो बायो बैकग्राउंड से हैं, हमसे नहीं होती फिजिकल केमिस्ट्री, सो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो ऐसे चैप्टर्स बेसिकली जो आपने 11th 12th में भी पढ़े हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया. तो अगर आप ये वाले चैप्टर भी कवर करते हैं ना तो इजी रहेगा कवर करना इनको. और क्रैश कोर्स में हम आपको मेन मेन पॉइंट्स तो बता ही रहे हैं, अगर आप अच्छे से देखें आप रिकॉल कर पाएंगे चीज़ें, ठीक है. तो वहाँ से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो ये चैप्टर एक बार 18 मार्क्स का भी पूछा गया, अगर एवरेज निकालते हैं 13-14 मार्क्स का आता ही है, ठीक है. तो आप ट्राई करिए, जितने हम टॉपिक करवा रहे हैं यहाँ पर वो तो आप फोकस करेंगे, उसके अलावा भी मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बेसिक है. अगर सेम क्वेश्चन हम किसी 11th का इंटरेस्ट नहीं होता 12th वाले बच्चे को अगर देंगे वो भी कर देगा क्वेश्चन सॉल्व, समझ रहे हैं. तो आप तो बहुत आराम से करेंगे सॉल्व. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, हम हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे. अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स नहीं भी पढ़ा हो तो भी आपको समझ आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया. ऐसे ही अरहेनियस इक्वेशन क्लास 12th में भी था, बीएससी में भी पढ़ा होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते ही हैं. इसमें सिर्फ कैटलिस्ट को यूज़ करके बोलते हैं कि कैटलिस्ट जब था तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, कैटलिस्ट नहीं था तो इतनी थी. आपको कुछ ना कुछ की निकालना होगा, रेट कौन से कितना इंक्रीज़ कर गया, रेट कितने फैक्टर से इंक्रीज़ करा. तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, अरहेनियस इक्वेशन बहुत बार पूछते हैं. जो क्वांटम एफिशिएंसी है इससे पहले नहीं पूछते थे लेकिन आजकल यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है. तो आपको ये अच्छे से कवर करना है. इसमें हम आपको पूरा एक जो लॉन्ग मेथड होता है वो भी बताएंगे और साथ में जो ट्रिक है ना, ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं वो भी बताएंगे. तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है. ऐसे ही जो जेवलोंस के डायग्राम वाला पोर्शन है जहाँ पे फ्लोरोसेंस हो गया, फॉस्फोरोसेंस हो गया, एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, ट्रांसमिटेंस है, यहाँ से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पक्का पढ़ के जाएंगे. फिर आता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये भी क्लास 11th 12th में आपने किया हुआ है, मतलब स्कूल के लेवल का है. जैसे पहले पढ़ते थे वही अभी भी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, क्लास 12th का बच्चा इसको सॉल्व कर देगा. आपको एस एस सी लगा के या तो रेट कॉन्स्टेंट निकालना होगा या फिर रेट निकालना होगा, तो ऐसे वाला सिंपल क्वेश्चन आता है, ये आप आराम से कर सकते हैं. फिर बात करते हैं एंजाइम कैटालिसिस की. एक टाइम पे ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा फेवरेट था सीएसआईआर नेट वालों का. अगर आप देखिए ना 2-3 साल से पहले हर पेपर में आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही था. अभी नहीं पूछ रहे हैं बट स्टिल हो सकता है वापस से पूछना स्टार्ट करें, तो ये भी आप देख लेंगे. इसके बाद यहाँ से रिवर्सिबल, कॉन्जिक्यूटिव और पैरेलल रिएक्शन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तीनों पे नहीं, तीनों में से किसी एक को पूछ लेते हैं हर बार. बेसिक क्वेश्चन ही होता है पर आपको एटलीस्ट फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है. और लास्ट में आता है हार्पून मैकेनिज्म. ये अभी नया ही ऐड हुआ है, लास्ट 2 टाइम्स जो एग्जाम्स हैं उनमें आ रहे हैं और लास्ट टाइम तो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे. तो इसका भी जो बेसिक आपको जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आज वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान से देखेंगे उसको, ठीक है. बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लेंगे. तो जिनको मैंने ये ग्रीन से मार्क किया है, बॉक्स में डाला है, ये टॉपिक ऐसे जहां से आजकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं काइनेटिक्स में, तो आप इनको देखेंगे ही देखेंगे, बाकी आप टॉपिक्स को भी रिवाइज करेंगे. और आज वाली वीडियो पूरी देखना, आपके मैक्सिमम टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे अगर आप इतना भी करते हैं काइनेटिक्स में, सफिशियंट है, ठीक है. और कल वीडियो आएगी क्वेश्चंस की, उसको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. So, अभी के लिए इतना ही. आप पूरी वीडियो देखना और मुझे अपना फीडबैक पक्का बताना कमेंट सेक्शन में. हेलो एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे केमिकल काइनेटिक्स की रिवीजन. सो जो हमारा ये चैप्टर है ना केमिकल काइनेटिक्स, ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 14-16 मार्क्स का आपका ये चैप्टर आता है, ठीक है. आप पिछले कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको 14-16 मार्क्स का आपको ये चैप्टर वहाँ से मिलेगा. और इस चैप्टर में क्या होता है, आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ही होते हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं. जैसे मैंने ये पिछले 4 पेपर की एनालिसिस लिखी हुई है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन है ना वो हर बार आ रहा है, और कई कई बार तो 2-2 क्वेश्चन भी आ रहा है, 2 नंबर के और 4 नंबर के. जैसे 2019 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, और जो दिसंबर वाले में और जून वाले में, दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए थे.
और ऐसे ही हमारा देखो अर्हीनियस थ्योरी है, अर्हीनियस थ्योरी बार बार रिपीट हो रही है। अर्हीनियस थ्योरी में हमारे पास 3-4 ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं से घुमा के बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और हमारा यहाँ पे देखो रिवर्स रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है, पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन हमारा है, हमारे 3 ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन, कंसेक्यूटिव रिएक्शन, तो तीनों में दो दो फॉर्मूले होते हैं, उनसे हमारा क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। और इसके साथ साथ आपका एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, हार्पून मैकेनिज्म। हार्पून मैकेनिज्म से अब की बार जो हमारा रिसेंट पेपर हुआ था उसमें हमारे 2 क्वेश्चन आए थे, एक आपका आया था 2 नंबर का और एक आपका आया था 4 नंबर का। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आप यहाँ देख रहे हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से आपका हर बार क्वेश्चन आ ही रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने कौन कौन से टॉपिक लिए हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने लिया रेट लो, आपके जितने भी ऑर्डर जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और साथ में आपकी टी हाफ वैल्यू, T3/4 वैल्यू, और आपके जितने भी ग्राफ हो जाएंगे सारे के सारे आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आएंगे। उसके साथ आप यहाँ देखो 2011, 2011, 2012, 2013, मतलब आपका 11 से 21 तक ये आप कोई भी पेपर उठा के देखो, आपको एक भी पेपर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन ना मिले, ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। तो हम इन सबको, इन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, और इस वीडियो में क्या करेंगे हम इनको, मतलब जनरल फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम उसके बेस पे हमारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला है हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है? आप कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले लो, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ठीक है। अब हमें यहाँ लिखना है रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, सबसे पहली बात, रेट क्या होता है आपका? रेट होता है आपका स्पीड, यानी चेंज इन, मान लो कोई भी आप बाइक चला रहे हो तो क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ऐसे यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो यहाँ पे हमारा रेट क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। और हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन के लिए, फॉर्मेशन, यहाँ फॉर्मेशन किसकी हो रही है, या तो सी की फॉर्मेशन हो रही है या डी की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी टर्म में लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन हम सी और टी की टर्म में लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर सी। सी के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए, डी के लिए क्या आएगा आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हमने लिख दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन, अब हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ कंजप्शन। रेट ऑफ कंजप्शन, रेट है हमारा कंजप्शन के लिए, कंज्यूम कौन हो रहा है यहाँ पे, कंज्यूम हमारे रिएक्टेंट हो रहे हैं, ठीक है, ए और बी हमारे रिएक्टेंट है, यानी ए और बी के टर्म में आएगा हमारा रेट ऑफ कंजप्शन फॉर ए के लिए लिखते हैं पहले, रेट ऑफ कंजप्शन फॉर ए क्या आएगा, डी ए बाय डी टी। अब यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि रेट हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, और ए हमारा क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यानी कि ए की फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसलिए ये आपकी डी ए क्या आएगी, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, रेट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव। तो रेट ऑफ कंजप्शन फॉर बी, बी क्या आएगा, माइनस डी बी बाय डी टी, ठीक है। तो ये आगे आपके सारे रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ कंजप्शन। अब हम यहां से इनके टर्म में लिखे हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इनके टर्म में क्या आएगा, हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के टर्म में लिखते हैं, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आपका चाहे कोई रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन वो आएगा आपका, जो भी आपके रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ कंजप्शन आया ना, उनको उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। तो ए की टर्म में क्या आया था, माइनस डी ए बाई डी टी आया था, माइनस डी ए बाई डी टी आया था, उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो 1/a, ठीक है, ऐसे ही। और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी हुआ ना ये, और ये सभी के लिए क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा, तो बी के लिए क्या आएगा, माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी, रेट ऑफ कंजप्शन आया था, और बी से डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसे ही सी के लिए क्या आ जाएगा, 1/c डी सी बाई डी टी, और क्या आ जाएगा, 1/d डी डी बाई डी टी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, आपकी एक ये जनरल इक्वेशन आ गई। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो डी ए बाई माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी होगा ना, वो रेट ऑफ कंजप्शन होगा, ठीक है, और
माइनस वन बाई ए डी ए बाई डी टी होगा वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ऐसे अगर सी की टर्म में देखे तो डी सी बाई डी टी होगा वो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा, और वन बाई सी डी सी बाई डी टी होगा जो वो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आपको इनमें से मान लो डी की फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, और ए की कंजप्शन दे दी, आपसे पूछे ए की कंजप्शन आपसे पूछ ली, तो आप क्या करोगे, इसको और इसको क्या कर दोगे, इक्वेट कर दोगे, ठीक है। यहां से आपको ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद हमारा आता है, हाँ, अब हमारा क्या आ गया, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन हमने लिख दिया, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, यूनिट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपकी यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन आपकी किस फॉर्म में हो सकती है, मोल पर लीटर में ले लिया हमने, मोल पर लीटर, टाइम आपका सेकंड में होगा, डिवाइड बाय सेकंड, तो ये आ जाएगी आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपकी क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसके बाद हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है, अगर आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी गिव सी सी, ठीक है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन बोलेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपके जितने भी रिएक्टेंट हो गए ना उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, साथ में आपकी यहाँ कुछ ना कुछ पावर आएगी इनकी। अब ये पावर क्या आएगी सर, ये पावर हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, हम नहीं बता सकते क्या आएगी, हाँ, लेकिन जो इन पावर का जो सम होगा ना एक्स प्लस वाई वो क्या आएगा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल लेंगे, ये क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सबसे पहली बात क्या आई हमारे यहां से कि ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपकी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि हम देख के नहीं बता सकते कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। उसके साथ साथ अगर आपका x इज इक्वल टू ए हो जाए और y इज इक्वल टू बी हो जाए, a और b क्या है, a और b आपके एक कोफिशिएंट है, ये वाले, ठीक है। अगर x a के इक्वल हो जाए, y b के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, यहां से आपका इसको बोल लेंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, तो इनके लिए क्या हो गया, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया ना वो आपकी मोलिकुलरिटी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और उसके साथ साथ जो आपका ऑर्डर होता है वो मोलिकुलरिटी के क्या होता है, इक्वल आ जाता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका एक्स नॉट इक्वल टू ए, वाई नॉट इक्वल टू बी हो जाए, जो हमारा जनरल केस है, उसे हम बोल लेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो एक से ज्यादा स्टेप ले कंप्लीट होने में, यानी उनमें हम देख के नहीं बता सकते कि उनका ऑर्डर क्या होगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमारा ये ऑर्डर आ गया सर, ऑर्डर सिग्निफाई क्या कर रहा है, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप क्या करो, आपका जो अगर आप कंसंट्रेशन है ना आपकी, कंसंट्रेशन की वैल्यू को चेंज करो, कंसंट्रेशन को मान लो आपने डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, उसका रेट पे हमारा क्या इफेक्ट होगा, वो हमारा क्या बताता है, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर एक्स की वैल्यू टू हो, अगर हमने ऑर्डर का इसका ए का क्या कर दिया, ए को टू ए कर दिया, यानी इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो रेट पे क्या इफेक्ट होगा, टू का स्क्वायर कितना आएगा, फोर, यानी जो आपका रेट हो जाएगा ना, रेट क्या आ जाएगा, फोर टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमें कहां से पता चला, हमें पता चला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आपकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो आपका कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शन, ठीक है। कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से, हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी। अब सर पॉजिटिव जीरो फ्रैक्शन तो ठीक है, नेगेटिव कैसे होगी, नेगेटिव ऐसी होगी, मान लो अगर आपका रेट ए की कंसंट्रेशन की पावर माइनस टू के इक्वल है,
वो कैसे आएगा उसको हम लिख सकते हैं, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ए की कंसेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो आपकी रेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब भी आपकी रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ाने से आपका रेट कम होगा ना, तो वो क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। उसके बाद यहां से एक और चीज आती है आपकी, जो आपका क्या आया यहां से, रेट था, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। हमने कोई रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट का ऊपर क्या थी, पावर क्या थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, ठीक है। एन क्या था आपका, एन आपका था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब यहां से इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू के आर रेस टू द पावर एन, और यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी आर बाय आर रेस टू पावर एन, ठीक है। और आर की यूनिट क्या थी हमारी, आर की यूनिट अभी निकाल ली थी हमने, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइड बाय आर, क्या हमारा रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन क्या आएगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर रेस टू द पावर एन आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर रेस टू द पावर वन माइनस एन पर सेकंड। ये आपकी क्या आ गई, के की जनरल यूनिट आ गई, ठीक है। ये आपकी के की जनरल यूनिट आ गई, इसको आप याद रखोगे, क्यों याद रखोगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा ना उसमें आपको के की वैल्यू दे के रखेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। हम यहां से ऑर्डर पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो होगी, इसको पुट करो तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, के की आपकी यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसकी यूनिट के इक्वल है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के इक्वल है। आप देखते भी हो जो आपका रेट होता है ना जीरो ऑर्डर के लिए, वो के इक्वल ही होता है, यानी इनकी यूनिट सेम होगी ना, जो इसकी यूनिट होगी वो इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो इसलिए इनकी क्या होती है, यूनिट सेम आती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू जीरो वन रखोगे, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा, पर सेकंड आपकी, जहां आप पर सेकंड देखो इसका मतलब वो क्या है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अब मान लो आपसे जनरली पूछ लिया कि आपका ऑर्डर है एन इज इक्वल टू, आपका जनरल ऑर्डर दे दिया कि आपका ऑर्डर है 5 बाय 2 और के की यूनिट बताओ, आपने क्या करना है, एन की वैल्यू 5 बाय 2 यहां पुट करनी है, बस आपका क्या आ जाएगा, आपकी के की यूनिट आ जाएगी, क्या आएगी, मोल पर लीटर रेस टू द पावर 1 माइनस 5 बाय 2 पर सेकंड। ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी मोल रेस टू द पावर माइनस 3 बाय 2 लीटर रेस टू द पावर 3 बाय 2 पर सेकंड, ठीक है। तो आपकी यहां से आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की, के क्या था आपका, के था आपका यहां पे ये रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप याद रखोगे जो इसकी जनरल यूनिट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारे यहां ग्राफ, अब हम सारे ग्राफ को एक साथ यहीं पर समझ लेंगे, उसके बाद आपकी जो भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर या उससे आगे आपके ग्राफ आएंगे, मैं आपको ये इक्वेशन लिख के दूंगा बस, ठीक है, आपके दिमाग में उसी टाइम ये ग्राफ आने चाहिए। अब इनमें आपकी दो चीजें एक्स और वाई तो पता है कि ये वाई एक्सिस है और ये आपकी यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। एम और सी क्या है, एम और सी आपके दो कॉन्स्टेंट है, सी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट और एम को हम बोलते हैं स्लोप, और इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्लोप की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और सी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। अब यहां पे आप एक चीज देखो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए आपका ग्राफ ये आता है, ठीक है। एम आपकी प्लस एम स्लोप होगी, सी आपका इंटरसेप्ट होता है, ये वाई इंटरसेप्ट, असल में ये होता है आपका वाई इंटरसेप्ट। अब सर वाई इंटरसेप्ट क्या, वाई इंटरसेप्ट आपका, आपको वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को इक्वेशन में जीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई की वैल्यू को जीरो पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे आप एक्स की वैल्यू इसको जीरो पुट करोगे, इसको यहां पे क्या करो, जीरो पुट कर दो, इसको जीरो पुट करेंगे यहां पे तो ये जीरो हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी, ये आ रहा है आपका वाई इज इक्वल टू सी, यानी x की वैल्यू यहां पे क्या थी, जीरो थी, x की वैल्यू यहां पे जीरो आके y की वैल्यू क्या आई, c, ये आपका क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर x इंटरसेप्ट निकाल रहा हूं, इसको आगे बढ़ाओ, ये कहीं यहां पे इसको क्या करेगी, कट करेगी,
जो ये वैल्यू आएगी ये आएगा आपका एक्स इंटरसेप्ट। ये आया कैसे, ये आया इक्वेशन में y की वैल्यू को जीरो पुट कर दो, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू आएगी वो रही आपकी x इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव स्लोप है। अब इसमें देखो y इज इक्वल टू c माइनस एम एक्स है, माइनस m आ रहा है ना, माइनस m का मतलब अगर प्लस m पॉजिटिव है माइनस m क्या होगा आपका नेगेटिव होगा ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड स्लोप हो जाएगा। ठीक है, और स्लोप की एक और वैल्यू होती है जो m होता है ना, उसकी वैल्यू आप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 करके भी निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू आपकी tan थीटा भी बोल सकते हो आप। कई बार आपको एंगल दे देते हैं तो आपको बस वहां से tan थीटा करना, आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहां देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। सर यहाँ पे प्लस सी तो दे ही नहीं रखा, प्लस सी दे नहीं रखा, इसका मतलब सी की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, सी की वैल्यू सी आपका ये था, इसकी वैल्यू जीरो कर दो, इसका मतलब ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्लोप इसकी वही प्लस एम आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये तीन ग्राफ हो गया, अब इसके साथ साथ आपका एक ग्राफ और होता है इनके जैसा ही, वो क्या होता है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लो आपको क्या बोल दिया, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसे आएगा, इसका मतलब क्या कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू रखो वाई आपका क्या आएगा, वाई आपका कॉन्स्टेंट आएगा, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ वाई की वैल्यू सेम रहेगी, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, मान लो जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट पुट कर दो, यहां पे मान लिया हमने जीरो पे वाई की वैल्यू ये थी, तो वन पे भी वाई की वैल्यू यही होगी, टू पे भी, थ्री पे भी, यानी कि ये ग्राफ आ गया आपका, ये वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए आ गया। अगर आपका दे दिया एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y की वैल्यू यहां पे क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी, मान लो x की वैल्यू ये थी, ये आ गया आपका ग्राफ। ठीक है, ये आपका किसके लिए, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के लिए। उसके बाद आपके क्या बचते हैं, आपके तीन ग्राफ बचते हैं, ये क्या बोलता है, इनके लिए आप तीन वैल्यू याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि e रेस टू द पावर जीरो क्या होता है, वन, किसी की पावर जीरो कर दे वन आता है। ठीक है, अब e की पावर इनफाइनाइट, e की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्स 2.7 के आसपास होती है, 2.7 की पावर इनफाइनाइट कर दो क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा ना, और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या आएगा, इसको 1 अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिख दो, ये आ जाएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट। अब 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या आएगा, इसको याद करने का तरीका देखो, क्या करोगे, 1 बाय 2 क्या होता है, 1 बाय 2 होता है आपका 0.5। ठीक है, 1 बाय 2 आया आपका 0.5। ठीक है, 1 बाय 2 आया आपका 0.5, 1 बाय 3 क्या आएगा, 1 बाय 3 आएगा सर 0.33। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय 4 क्या आएगा, 1 बाय 4 आएगा 0.25। अब यहां से क्या हो रहा है, जैसे ही आप नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा रहे हो ना, आपकी ऊपर वाली वैल्यू क्या हो रही है, ये डिक्रीज होती जा रही है, जीरो के पास जाती जा रही है। अगर आप नीचे वाली वैल्यू को इनफाइनाइट रख दो तो क्या हो जाएगी, वो बिल्कुल जीरो के पास चली जाएगी ना, तो e वन अपॉन इनफाइनाइट आपका होता है जीरो, यानी e रेस टू पावर माइनस इनफाइनाइट आपका आ गया जीरो। अब ये ग्राफ देख लो, y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर x, सबसे पहले e यहां पे क्या है, x की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, जीरो, e रेस टू पावर जीरो क्या आएगा, वन, ये आपका आ गया यहां पे वन, और ये क्या है आपका, ये आपका y इंटरसेप्ट भी है, x की वैल्यू जीरो रखते हैं तभी तो आपका y इंटरसेप्ट आता है, वही था ना, तो ये आपका y इंटरसेप्ट भी है। उसके बाद e की पावर इनफाइनाइट करेंगे तो क्या जाएगा, वो इनफाइनाइट जाएगा, यानी ये ऊपर क्या क्या जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, अगर हम इसको इस साइड बढ़ा दें तो क्या आएगा, ये नीचे नीचे इसको अप्रोच करता जाएगा। क्यों अप्रोच करता जाएगा, क्योंकि सर अगर x की वैल्यू हम क्या लेके जाएं, x की वैल्यू हम माइनस इनफाइनाइट लेके जाएं, माइनस इनफाइनाइट लेके जा रहे हैं, वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, जीरो वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि आप इनफाइनाइट ही नहीं लेके जा सकते उसको, तो जीरो कैसे आएगा। ठीक है, अब इसमें सेम ग्राफ ये आ जाएगा, बस यहां माइनस आ गया, e की पावर x की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट यानी कि वो क्या कर रहा है, जीरो का अप्रोच कर रहा है।
ठीक है, सेम ग्राफ है बिल्कुल। उसके बाद आपका एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई कॉन्स्टेंट का आपका ये पैराबोलिक ग्राफ आता है इस टाइप में, ठीक है। तो ये सब आप यहां से क्या करोगे, याद रखोगे। उसके बाद मैं अब ये इक्वेशन रखूंगा, आपको ये सब चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए, नोट कर लो इनको। उसके बाद आएगा आपका अब ये है आपकी क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या है, अब आपके पास ये जनरल तीन इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, इनमें क्या है, एन क्या है, एन है आपका ऑर्डर, एन है आपका ऑर्डर, आपको केवल एन की वैल्यू पुट करनी है, आपका यहां से आंसर आ जाएगा। उसमें ये आपके किसके लिए वैलिड है, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के बाकी कोई भी ऑर्डर है सबके लिए वैलिड होगी। सबसे पहले जीरो ऑर्डर देख लेते हैं, एन की वैल्यू यहां जीरो पुट करोगे, जीरो पुट करके इसको सोल्व करोगे ना, आपका आएगा यहां से ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के जीरो टी, ठीक है। अब ये तो आ गया सर, ये ए क्या है, ए नोट क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना, ये कैसे पता होगा आपको। मान लो यहां से आपका ए कोई प्रोडक्ट पी बना रहा है, अब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या था, आपका केवल रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं था ना, उसकी वैल्यू मान लो ए, ठीक है, प्रोडक्ट आपका कुछ नहीं था। टाइम टी इज इक्वल टू टी पे क्या हुआ, ये आपका कुछ ना कुछ एक्स कंज्यूम हुआ होगा, और जितना ये कंज्यूम हो रहा है उतना ये फॉर्म हो रहा है, यानी कि ये एक्स आपका फॉर्म हुआ, तो जो ये आपका ये ए है ना, ये आपका ए नोट है, यानी कि कंसंट्रेशन एट टाइम इज टी इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे ए माइनस है, ए माइनस एक्स वो आपका क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है, ये आपकी ए की वैल्यू है, और एक्स क्या है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू टी, यानी t इज इक्वल टू टी पे आपका कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो आपका क्या है, वो आपका x बता रहा है, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, a की वैल्यू a माइनस एक्स पुट कर दे, a नॉट की वैल्यू a पुट कर दे, ये वैल्यू पुट करेंगे सोल्व करेंगे, आपका क्या आएगा, x इज इक्वल टू के नॉट टी। आपकी दो इक्वेशन आ गई, आपकी फर्स्ट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए आई थी, आपकी सेकेंड इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए ये आ गई, ठीक है। t हाफ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे n की वैल्यू जीरो पुट कर सकते हो, उसके साथ साथ यहां से भी आ जाएगा आपका, उसके साथ साथ आपका आप ये वाली इक्वेशन भी यूज कर सकते हो। ये वाली इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, जब टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ होगा ना, तब x की वैल्यू क्या होगी, ये कितना कंज्यूम होगा, हाफ कंज्यूम हो जाएगा, यानी वो हाफ फॉर्म होगा, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, a नोट बाई टू, ए नोट बाई टू पुट कर दो, यहां से आपका टी हाफ कितना आ जाएगा, ए नोट बाई टू के, ठीक है, ये आपका आ जाएगा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से आपकी क्या आ गई, तीन इक्वेशन आ गई। अब तीन इक्वेशन आ गई सर, ये तो आ गया, अब और कुछ पूछा हो, मान लो आपसे टी थ्री बाय फोर पूछा है, टी फाइव बाय फोर पूछा है, कुछ भी पूछा है, आपको केवल ये इक्वेशन यूज करनी है। इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू पुट करो, सर एक्स की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, एक चीज देखो यहां से, जब हमारा टी 50% था, उसी को तो टी हाफ बोलते हैं ना, टी 50% पे आपकी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू ए नोट बाई टू थी। ए नोट बाई टू कैसे आई थी, वो उसको 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को आप क्या 50/100 लिख सकते हो ना, 50/100 ऑफ ए नोट, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका टी 75 दिया हो ना, टी 75% का मतलब है आपकी रिएक्शन 75% कंप्लीट हो गई, रिएक्शन 75% कंप्लीट हुई मतलब एक्स आपका 75% बन गया, 75% किसका, ए नोट का, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हो ना, एक्स को यहां पे, एक्स को आप लिख सकते हो 75/100 ऑफ ए नोट, ठीक है। अब आपको मान लो उसने टी 45 दे दिया, टी 45 में क्या है, टी 45 में सर 45/100 ऑफ ए नोट लिख देंगे हम, किसको, एक्स को, यही है, ये बात समझ गए, आपको वैल्यू कहां रखनी है, यहां रखनी है, आप उसकी टी की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। और यहां से हमारा एक और जनरल एक्सप्रेशन आता है, जनरल एक्सप्रेशन यहां से क्या आएगा, एक और वो आएगा हमारा, अगर यहां पे मान लो टी एक्स दिया हुआ है, टी दो टी एक्स दे दिया, मान लो टी 75% दे दिया, एक टी 45% दे दिया, अगर हम उनकी रेशियो लेंगे ना, वो एक्स बाय वाई के इक्वल आएगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, चौथी इक्वेशन आ गई, कैसे आएगी, मान लो आपको यहां से टी 75% दे दिया,
और T 50% दे दिया, इनमें रिलेशन निकालना है, वो आपका 75/50 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के लिए चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में मत लगा देना इसको। ठीक है, ये आपका यहां से इतना आ गया। उसके बाद आपके आते हैं ग्राफ। ग्राफ कहां कहां से बन सकता है? एक तो यहीं से बन सकता है। इसको देखो, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आपसे ग्राफ पूछ लिया, तो यहां से कंसंट्रेशन आपकी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी ये आपका वाई हो जाएगा, वो आपका एक्स हो जाएगा। अब ए नोट क्या है आपका? ए नोट आपका कॉन्स्टेंट है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन, और के नोट भी आपका कॉन्स्टेंट है, तो वो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, पढ़ा था ना अभी आपने, सी भी आपका कॉन्स्टेंट होता है, एम भी आपका कॉन्स्टेंट होता है, ए नोट भी आपका कॉन्स्टेंट है यहां पे, ठीक है, और के नोट भी आपका कॉन्स्टेंट है, और हमारा टी के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हमारा ए कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा यहां से बता देगा। अब यहां से एक्स इज इक्वल टू के टी, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ पूछ लिया, तो के नोट आपका कॉन्स्टेंट है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स बन गया ना यहां से, ठीक है, तो यहां से हमारे बनते जा रहे हैं। अब यहां से इसका मतलब क्या, आप यहां से देखो, जनरल इक्वेशन से देखो, जो आपका टी हाफ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए रेज टू द पावर एन माइनस एन, एन माइनस वन के। तो यहां से हमारी ये ए क्या थी, ये कंसंट्रेशन थी, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। इसका मतलब क्या है, जो आपकी टी हाफ है ना, टी हाफ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है जो आप इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहे हो। मान लो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी ए नोट, तो आपका टी हाफ आया, एक टी हाफ वो मान लिया हमने, क्या मान लिया, 20 मिनट में आया, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ए नोट बाय टू आ जाएगा। उसके बाद यहां से आप एक और टी हाफ देख रहे हो, एक और टी हाफ कब आएगा, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है आप उस टाइम उसकी कंसंट्रेशन क्या ले रहे हो, जब आप टी हाफ ले रहे हो, तो यहां पे आप इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये आ गई, कंसंट्रेशन हाफ हुई तो टाइम भी हाफ हो जाएगा ना, यानी कि अब इसका हाफ, इसका मतलब टी हाफ क्या आएगा, यहां 20 था ना, अब इसका टी हाफ आएगा 10 मिनट बाद, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नोट बाय 4। अब अगला टी हाफ कब आएगा, अगला टी हाफ, इसका भी हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया, ये हाफ हुआ तो ये भी हाफ होगा ना, ये 10 मिनट है, तो अगला आएगा 5 मिनट बाद, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आपका जो टी हाफ है ना, टी हाफ आपका जो उसने इनिशियल कंसंट्रेशन ले रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं हमारा क्या सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर क्या था, सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे एन की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू हम 2 यहां पे क्या करेंगे, यहां पे पुट करेंगे हम एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 2 पुट करने पे हमारे क्या आएगी, 1/a माइनस 1/a नोट इज इक्वल टू के टू इंटू टी, के टू क्या आपका रेट कॉन्स्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो यहां से आपकी ये क्या आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, किसके लिए, आपके सेकेंड ऑर्डर के लिए। उसके बाद यहां पे मैंने आपको बता दिया ए क्या है, ए नोट क्या है, ए वही आपका ए माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ए नोट आपका ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप उसके बाद टी हाफ निकाल लोगे, यहां डायरेक्टली पुट करो, तो टी हाफ की वैल्यू क्या आएगी, 1/ टी हाफ की आपकी वैल्यू आएगी 1/ ए के टू, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, टी हाफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। यहां से आपका क्या आ रहा है, जो आपका टी हाफ है ना, वो आपकी जो कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो ए नोट थी, आपने लिया इसका टी हाफ, टी हाफ मान लो हमारा आया था 20 मिनट, वही पीछे वाले ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन टी हाफ के बाद क्या होगी, होगी ए नोट बाय 2 होगी, होगी ए नोट बाय 2। अगर अब अगला हम टी हाफ ले, तो ये हमारा हाफ हो गया, ये हमारा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अगर ये हाफ होगा तो ये डबल हो जाएगा ना, ये हाफ हुआ तो ये आपका डबल हो गया, यानी ये यहां पे हाफ हुआ, अब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये है वो आपका डबल हो जाएगा, यानी यहां से आपका आ जाएगा टी हाफ 40 मिनट, 40 मिनट में ये आ जाएगा आपका ए नोट बाय 4। यानी हमने यहां से क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर होता है ना, अगर हम उसकी कंसंट्रेशन मतलब
कम होती जाती है ना, तो आपको उसकी टी हाफ की वैल्यू उसकी बढ़ती जाती है। लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या था, जीरो ऑर्डर में जैसे ही आपका क्या होगा, टी हाफ आगे लेते जाएंगे हम, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, आपका टी हाफ भी कम होता जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये था आपका, और यहां से आपका ग्राफ क्या आ सकता है, ये आ गया। इसको और कैसे लिखो, इसको लिख लो 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस k2t। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। एक चीज याद रखना, जो आपका एक्स होगा ना, एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट आएगा उसको हम एम बोलते हैं। ठीक है, और आपका जो अकेला कॉन्स्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, यहां से आपके क्या आ जाएगा, ग्राफ। और हम यहां से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं, इसका मतलब आपका जो टी हाफ है ना, यहां से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका कंसंट्रेशन से। उसके बाद ये था आपका सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास क्या है, दो तीन इक्वेशन होती है, आप मतलब सोल्व करते हो, सोल्व करके आपके दो तीन इक्वेशन आती है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग रेट इक्वेशन क्या आती है आपकी, ए इज इक्वल टू ए नोट ई रेस टू द पावर माइनस के वन टी। ठीक है, आपकी ये आएगी पहली इक्वेशन। और इसमें क्या, आर इज इक्वल टू के इंटू ए भी बोल सकते हो आप, ये आपकी सेकंड आ गई। ठीक है, हाँ, हमारी इसमें सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर में ये रहेगी। इसमें आप और क्या बोल सकते हो, अगर आपका मान लो रिएक्शन है ए टू पी, ठीक है, ए टू पी रिएक्शन है ना हमारी, तो रेट को हम रेट लो से क्या लिख सकते हैं, के टू इंटू ए, और सेकंड ऑर्डर है ना, ए स्क्वेयर। ठीक है, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, जीरो ऑर्डर के लिए आ जाएगा आर इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर जीरो। सारा रेट लो से हो रहा है, जो हमने रेट लो किया था ना, बस वो यहां पावर जीरो कर दी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर इज इक्वल टू के नोट। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर इज इक्वल टू के ए के इक्वल आ गया। यहां की जो टी हाफ आती है, टी हाफ किसके इक्वल आएगी, टी हाफ आएगी हमारी 0.693 डिवाइड बाय के। ठीक है, इसके इक्वल आएगी। यहां से हमें क्या, यहां हमारा ए नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, टी हाफ आपकी ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही, डिपेंड नहीं कर रही। मतलब हमने क्या लिया था, सबसे पहले इनिशियल कंसंट्रेशन ए नोट थी, हमने एक टी हाफ लिया था, किस पे आ रहा था हमारा, 20 मिनट पे आ रहा था, ये आ जाएगा आपका ए नोट बाय टू। अब अगर हम अगला टी हाफ लेंगे ना, तो ये बेसिक हाफ हो गया हो, ये हाफ होने पे इस पे तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा ना, ए की वैल्यू तो इसके फॉर्मूले में कहीं आ ही नहीं रही, इसका मतलब अगला टी हाफ भी आपका 20 मिनट बाद ही आएगा। ठीक है, ये आपका ए नोट बाय फोर। अगला टी हाफ लोगे वो भी आपका 20 मिनट बाद आएगा, अगला लोगे वो भी 20 मिनट बाद आएगा। ठीक है, और यहां से आप एक चीज देखो, यहां क्या देख रहे हो, अगर एक टी हाफ लिया तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 2 से डिवाइड होगी, दो टी हाफ लिए तो 2 का स्केयर से डिवाइड होगी, तीसरा एक और टी हाफ लो ये भी 20 मिनट बाद आएगा आपका, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ए नोट बाय इसका हाफ हो जाएगी 8। इसको आप बोल सकते हो 2 स्केयर, इसको बोल सकते हो 2 क्यूब। ठीक है, तो यहां से आपका एक और जनरल फॉर्मूला आ गया। मान लो आपसे पूछ लिया कि आपको कोई टाइम दे दिया, आपको टी हाफ दे दी, तो आपसे पूछ लिया कि उस टाइम बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, तो वो आ जाएगी आपकी जो ए आएगी ना, वो क्या आएगी, ए नोट डिवाइड बाय 2 रेस टू द पावर एन। ठीक है, अब यहां पे एन क्या है, एन आपको जो गिवन टाइम है और जो उसका क्या है टी हाफ, टी हाफ का जो आपका टाइम दिया हुआ है वो एन की वैल्यू है ये। ठीक है, यहां से आपका डायरेक्ट एन की वैल्यू पुट करो, आपकी ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी। अब आपका आता है यहां से एक और एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है, जब आपकी कंसंट्रेशन होती है ना वो ए नोट बाय ई के इक्वल रह जाए। यहां आपकी टी हाफ होती है जब आपकी कंसंट ए नोट बाय टू हो जाए, उसको हम टी हाफ बोलते हैं, और एवरेज लाइफ टाइम बोलते हैं जब आपकी ए की कंसंट्रेशन ए नोट बाय ई हो जाए। जो आपका टी एवरेज होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 1/k1 के इक्वल।
ठीक है, यहाँ से ये किसके इक्वल आएगा, 1/k1 के इक्वल। और ऐसे ही आपका सेम फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हो, मान लो आपको 5 वो दे दिए, 5 एवरेज लाइफ टाइम दे दिए, उसके बाद आपको कंसंट्रेशन पूछ ली, तो वो क्या आएगी, 5 लाइफ टाइम के बाद आपकी कंसंट्रेशन आएगी a0 / e^5। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आपका यहाँ से कई बार क्या आ जाता है, रिलेशन पूछ लेते हैं कि t99 और t90 के बीच में रिलेशन बताओ, तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला आएगा, वो क्या होता है, अगर आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपका यहाँ से आएगा ln a0/a = k1 × t। ठीक है, इसको आप यहाँ वैल्यू भी पुट कर सकते हो इनकी, ln a/a − x = k1 × t। आपको जब भी रिलेशन पूछा है किसी भी दो टाइम के बीच में, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। कैसे यूज करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। मान लो आपसे पूछ लिया t99% और t90% के बीच में रिलेशन, t90%। अब मैंने आपको जीरो ऑर्डर में कराया था, t99% का मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या है आपकी 99/100 ऑफ ए नोट, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो ये इसकी क्या वैल्यू क्या होगी, a माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, ए नोट क्या था आपका, ए नोट a के इक्वल था ना, तो a लिख दो यहां पे भी 99/100 ऑफ a। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस 99/100 ऑफ a, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1a/100 इसके इक्वल आ जाएगा ना। और ऐसे ही t90% के लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 90/100 ऑफ a, तो a माइनस x क्या आ जाएगा इसका, 10/100 ऑफ a, यही आ जाएगा ना। तो ये हमारा आ गया, अब यहां इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, t 99% इंटू k1 था आपका ln a/a − x क्या था 99 के लिए, a माइनस x था 1a/100, तो ये आ जाएगा 1a/100। ऐसे ही आपका क्या था, t 90% इंटू k1 ln a/ 90% के लिए a माइनस x था 10/100 ऑफ a, 10/100 ऑफ a, यहां से a से a कैंसिल हुआ आपका, a से a कैंसिल हुआ, ये आपका 100 ऊपर जाएगा और यहां पे आपका 10 ऊपर जाएगा, अगर इनको डिवाइड कर दे, k1 से k1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आएगा, यहां से आपका आएगा t 99% / t 90% किसके इक्वल होगा, ये ln 100 गया, ठीक है, ln 100 को क्या रख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ln 10 स्क्वायर डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा, ये ln 10 ही था, तो ln 10। ठीक है, अब हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो हम 2 को आगे लिख सकते हैं, तो 2 को हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे, 2 हमारा ये आ जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया, यहां से आपका आ जाएगा t 99% = 2 × t 90%। तो यहां से आपका, आपको यही अप्रोच रखनी है, आप कोई भी, आपको किसी का भी रिलेशन पूछ लिया जाए, आपको क्या करना है, बस a माइनस x की वैल्यू निकालनी है और आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपका यहां से आ जाएगा। उसके बाद यहां से आपका और क्या आ सकते हैं, आपका यहां से ग्राफ आ सकता है, तो ये क्या इसके कुल आ गया, ये y = e^(-x) का ग्राफ था कुछ ऐसा, ठीक है, उसमें सर यहां पे तो a नोट आ रहा है, a नोट यहां भी तो 1 कांस्टेंट था, 1 वैल्यू आई थी ना, e की पावर 0 पे 1 वैल्यू आई थी y इंटरसेप्ट की, बस यहां पे y इंटरसेप्ट की a नोट वैल्यू आ जाएगी, सेम ही ग्राफ है ना, तो और a यहां पे एक t हाफ का ग्राफ बना सकते हैं, t हाफ कहां पे, ये रहा t हाफ पे, आपका क्या आएगा, t हाफ पे a हमारा आ ही नहीं रहा, तो मैंने आपको y = constant का ग्राफ कराया था, एक y की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो ग्राफ यहां पे आ जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद और किससे, हाँ इससे आपका पूछ सकते हैं, इसको आपको क्या लिख सकते हैं, ln, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ln a0 − ln a = k1 × t।
अब यहाँ पे ये a नोट कॉन्स्टेंट है और k1 कॉन्स्टेंट है, इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में एडजस्ट करो। कैसे करोगे, इसको उस साइड ले जाओ तो ये आ जाएगा ln a, ये आ जाएगा ln a नोट माइनस के वन टी। तो ये आ गया आपका y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। उसमें कॉन्स्टेंट देखो, कॉन्स्टेंट को c और m दोगे, ठीक है, और जो वैल्यू चेंज हो सकती है जिनके बीच में ग्राफ बनाना, वो आपकी y और x होगी, ठीक है। यहां से आपके सारे ग्राफ हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आता है, हाँ, हमसे किस किस टाइप में क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से मैंने यहाँ पे तीन टाइप लिख रखे हैं, तीन टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अप्रोच बताऊंगा कि आपको हर क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या रखनी है, और आपको जनरल फॉर्मूले दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन होंगे ना, वो हम क्या करेंगे, वो हम अगली वीडियो में करेंगे इसके, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसको डायरेक्ट भी देख के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अप्रोच बताऊंगा आपको करना कैसे है। आपको यहाँ से तीन रेट दे रखे हैं, P और Q की कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने क्या करोगे, सबसे पहले आपका यहाँ से रेट लो है, रेट लो क्या बोलता है कि रेट R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, और जो भी आपके रिएक्टेंट है उनकी कुछ ना कुछ क्या होगी, उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा, और रेस टू पावर कुछ ना कुछ पावर होगी उसकी। तो यहाँ पे x और y हमने क्या ले ली, पावर ले ली, ये आपका रेट लो था। तो रेट लो से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे r1 की वैल्यू, ये मान लो ये आपका आ गया, ये आपका क्या है r1, ये आपका है r2, और ये आपका है r3, ठीक है। तो यहां से r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू आपको दे रखी है 8 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू के। पी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 रेस टू द पावर एक्स, और क्यू की कंसंट्रेशन है 0.5 रेस टू द पावर वाई। ऐसे ही आर टू क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 के, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 इंटू 0.5 रेस टू पावर वाई रेस टू द पावर एक्स, ठीक है। ऐसे तीसरी हमारे क्या आ जाएगी, 3.2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 4 के, यहाँ था आपका 0.4, ये यह आपका यहाँ पे 0.4 था, यहाँ पे था आपका 0.4, ठीक है, रेस टू द पावर एक्स, और यहाँ था आपका 1.0 रेस टू द पावर वाई। आपकी यहाँ पे तीन इक्वेशन आ गई, ठीक है। तीन इक्वेशन आने के बाद आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हें क्या करना, आपस में डिवाइड करना। आपस में डिवाइड करोगे, अब यहाँ पे इसको देखो, जब इसको और इसको डिवाइड करोगे, के से आपका के कैंसिल हो जाएगा, 0.5 वाई से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका डिवाइड करके 1/2 रेस टू द पावर एक्स आ जाएगा, ये भी आपका कितना है 1/2 रेस टू द पावर एक्स। तो यहां से आपकी एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही जब इसको और इसको इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये 0.4x से 0.4x कट जाएगा, k से हमारा k कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना है 1/2 रेस टू पावर y, और ये भी कितना आएगा 1/2, यानी कि यहां से आपकी y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। और ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर आपका आ जाएगा 2। अब आपको क्वेश्चन में यहां एक चीज ध्यान देनी है, आपको ऑर्डर किसके रिस्पेक्ट में पूछा, आपको ओवरऑल ऑर्डर पूछा, आपको ऑर्डर पी के रिस्पेक्ट में पूछा, आपको ऑर्डर क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा। अगर पी के रिस्पेक्ट में पूछेंगे तो ऑर्डर आएगा 1, क्यू के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर आएगा 1, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर आएगा आपका 1+1 2, ठीक है। अब यहां से ये तो आपके एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, दूसरे टाइप के आपके क्या आएंगे, आपको अगर 2 t½ दे दी, 2 कंसंट्रेशन दे दी, ऑर्डर पूछ लेंगे। हमने पीछे टी हाफ के जनरल फॉर्मूले में किया था कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। इनको क्या करो, मान लो 2 t½ दिया है, टी हाफ 1 और एक दिया टी हाफ 2, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो और क्या हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो कॉन्स्टेंट है, वो कट ही जाएंगी, तो ये क्या आ जाएगा, a2/a1 रेस टू द पावर एन माइनस 1। आपका ये एक और जनरल फॉर्मूला आ गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, टी हाफ 1 की वैल्यू पुट कर दोगे, 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, ए 2 की वैल्यू पुट कर दोगे, ए 1 की वैल्यू पुट कर दोगे, और एन की वैल्यू निकाल दोगे। अगर यहां से आप पावर को ऐसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते तो दोनों साइड लॉग ले लेना, लॉग लेके आपकी एन की वैल्यू वहां से भी निकाल सकते हो। तो एक आपका जनरल फॉर्मूला ये आ गया।
ऐसे ही एक आपका रेट लो, रेट लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, रेट लो से आपके बहुत क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से रेट लो से आपका क्या आया था कि रेट लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसकी, कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेस टू सम पावर, वो होता है आपका ऑर्डर, ठीक है। अब यहां से मान लो आपका दो रेट दे दिए, तो आर वन बाय आर टू कर दो, ठीक है, और दो कंसंट्रेशन दे दी, तो ये आ जाएगा ए वन बाय ए टू रेस टू द पावर आ जाएगा एन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, एक आपका जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखो, इसको याद करने का तरीका देखो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो वन के सामने टू आ रहा था, टू के सामने वन आ रहा था, लेकिन यहां ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वन के सामने वन आ रहा है, टू के सामने टू आ रहा है, ठीक है। तो ये इसको याद करने का तरीका हो गया, यहां से आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसके बाद हमारा आएगा, हाँ, इसके बाद हमारी शुरू होती है भाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये तीन टाइप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसमें क्या दो दो फॉर्मूले है, सभी में एक एक ग्राफ है। सबसे पहले आप क्या देख लो, रिवर्स रिएक्शन देख लो, इसमें रिवर्स रिएक्शन में क्या ए से बी आएगा, बी से ए आएगा, यानी आपको इक्विलिब्रियम दिखेगा, इक्विलिब्रियम दिखेगा। तो आप अगर यहां से रेट को लिखने की कोशिश करोगे, रेट किसकी फॉर्म में आ, रेट हम बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बी की फॉर्म में लिखते हैं, ये क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, किसकी इक्वल होगा, बी आपको फॉर्म किस किस स्टेप में हो रहा है, पहले स्टेप में के1 वाले स्टेप में फॉर्म हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका के1 इनटू ए, ठीक है। लेकिन साथ ही वो के माइनस वन वाले स्टेप में कंज्यूम भी हो रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है तो माइनस होगा, माइनस ऑफ के माइनस वन इंटू बी, ठीक है। तो अब यहां पे इसकी हम वैल्यू रख सकते हैं ना, वैल्यू कैसे, इसकी वैल्यू क्या होगी, बी की क्या थी, बी की किसी टी टाइम पे एक्स थी, तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू के वन, ए की वैल्यू क्या थी टी टाइम पे, ए माइनस एक्स थी, ए माइनस एक्स माइनस के ऑफ माइनस वन इंटू एक्स, तो ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन, ठीक है, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई किसके लिए, आपकी रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, सोल्व करने के बाद आप इक्विलिब्रियम की वैल्यू रखोगे, इक्विलिब्रियम पे क्या वैल्यू थी, इक्विलिब्रियम पे ए माइनस एक्स ही थी और बी की वैल्यू थी एक्स ही, इनको आप पुट करने के बाद आपका क्या रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा एल एन एक्स ई डिवाइड बाय एक्स ई माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन प्लस के ऑफ माइनस वन इंटू टी। अब ये किसी से मिलता जुलता है, हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया था एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू टी, बिल्कुल सेम ही है ना, बस ए की जगह क्या रख दो, एक्स ही रख दो, ठीक है, और उसमें ए की रेट कॉन्स्टेंट था के वन, इसमें दो है तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। यहां से आप इसको क्या करोगे, याद कर लोगे। अब सर ये एक्सी क्या, एक्सी आपकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है, यानी जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाए ना, तब आपकी बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक्सी होगी, ठीक है। अब की बार जो क्वेश्चन आया था उसने क्या पूछा था कि अगर एक्स की वैल्यू एक्सी बाय टू हो उस टाइम बताओ, वो टाइम क्या होगा, यानी टी की वैल्यू पूछी थी, के वन के माइनस वन आपको दिया हुआ था, एक्सी एक्सी आपका क्या होगा, नीचे से ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, एल एन टू की वैल्यू आपको दी हुई थी, सब कुछ तो आपको दे दिया, टी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आता है, जब भी आपको क्या मिले, आपको इस टाइप की रिएक्शन दिखे ना, इस टाइप की इक्विलिब्रियम दिखे, तो आपके दिमाग में केवल ये फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला इसमें, इसमें अगर आप बी की कंसंट्रेशन निकालना चाहो किसी टाइम टी पे, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, वो किसके इक्वल होगी, के वन ए नोट डिवाइड बाय के वन प्लस के माइनस वन इंटू वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस के वन प्लस के ऑफ माइनस वन इंटू टी, ये इसके इक्वल भी आता है, और ये मैं आपको बताऊंगा, ये आपकी एक और आगे भी आएगी, आपके पैरेलल रिएक्शन में सेम यही फॉर्मूला आएगा बी का भी, ठीक है। ये थे, अब इसके ग्राफ देख लो, ग्राफ कैसे आएगा इसका, ठीक है, यहां से हमने किसके बीच में, ये कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। अब यहां से ऊपर से देखो, यहां पे
टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे b तो हमारा क्या था, जीरो था, b तो हमारा था ही नहीं, लेकिन हमारा a क्या था, इसकी वैल्यू थी कुछ ना कुछ, a मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी। उसके बाद a कंज्यूम होना शुरू हुआ, b फॉर्म होना शुरू हुआ, इसको क्या ग्राफ की फॉर्म में लिख दो। ग्राफ की फॉर्म में कैसे आएगा, a की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थी, वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसे ही बी की कुछ ना कुछ, बी शुरू में क्या था, जीरो था, लेकिन बी बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, ये वाला पॉइंट है ना, ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, यहां पे आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया, यहां पे आपकी केवल कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल हुई है, लेकिन इक्विलिब्रियम जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाए ना, वहां आपका इक्विलिब्रियम आएगा। यहां आपका जाके कहीं क्या आया, इक्विलिब्रियम आया। अब ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, और कैसे हो सकता है, ये ग्राफ आपका ऐसे भी तो आ सकता है, मान लो ये पॉइंट आया ही ना हो, इक्वल कंसंट्रेशन होने से पहले इक्विलिब्रियम आ गया हो। और तीसरा, ये ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, यानी कि जब उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हुई तब इक्विलिब्रियम आ गया। ये तीनों ग्राफ इसी के हैं, तीनों ग्राफ आपके क्या है, रिवर्स रिएक्शन क्या है, उसके बाद आपकी आएंगी पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, पैरेलल रिएक्शन क्या बोलती है, या तो इन्हें ऐसे लिख के दे दिया हो, या फिर A gives B and A gives C, ये K1, ये K2, ये भी तो यही सेम ही चीज है ना। ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगी यहां से, जब भी आप इस टाइप से देखो, मतलब वो आपके क्या है, वो आपके पैरेलल रिएक्शन है। अब यहां से देखो, किसी टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपकी कंसंट्रेशन A थी, ठीक है, t इज इक्वल टू t पे A माइनस x हुई, x कंज्यूम हुआ, और ये y फॉर्म हुआ, ये z फॉर्म हुआ, तो यहां से हमारा क्या आ गया, हमारा x कंज्यूम होने पे y और z फॉर्म हो रहा है, x इज इक्वल टू y प्लस z के इक्वल आ गया ना यहां से। और आपका a की फॉर्म में अगर आप देखोगे, तो a की फॉर्म में अगर आप रेट लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, किसके इक्वल आएगा, ये आपका किसमें, पहला K1 into A plus K2 into A, ये आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ गई पैरेलल रिएक्शन के लिए। ठीक है, K1 में भी कंज्यूम हो रहा है, K2 में भी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपकी यहां से A की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो आप, इसको सोल्व करोगे तो A की कंसंट्रेशन क्या आएगी, A इज इक्वल टू A नोट इंटू E रेस टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये भी आपकी बिल्कुल सेम किसके जैसी है, फर्स्ट ऑर्डर जैसी आ गई, सेम टू सेम उसके जैसी मिलती जुलती है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपकी बी की कंसंट्रेशन भी तो आएगी, बी की कंसंट्रेशन मैंने आपको यहां लिखवाई थी, ये मैंने बी की कंसंट्रेशन लिखवाई थी आपको, ये वैल्यू याद कर लो, आपकी रिवर्स रिएक्शन हो या आपकी पैरेलल रिएक्शन हो, दोनों में आपकी बी की कंसंट्रेशन सेम आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको C की कंसंट्रेशन लिखनी है, C की, अब B में आपका क्या था, A से B गए थे, B से C गए थे, रेट कांस्टेंट K1 था और यहां रेट कांस्टेंट K2 था, B में आपका रेट कांस्टेंट K1 था। ठीक है, तो C में क्या होगा, C में बस K1 की जगह K2 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, यानी आपको केवल एक ये फॉर्मूला याद रखना, आप वो फॉर्मूले अपने आप बना लोगे। ठीक है, उनको लिख दो एक बार, तो B की कंसंट्रेशन क्या आएगी, K1 into A नोट की टर्म में लिखना, और इसमें दो रेट कांस्टेंट, यहां K1 और K-1 था, यहां K1 और K2 है, तो नीचे ऐड कर दो K1 plus K2 into 1 minus e raised to the power minus K1 plus K2 into T। ठीक है, आपकी C की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, C की कंसंट्रेशन आ जाएगी, बस यहां K1 की जगह क्या कर दो, K2 कर दो, तो यहां आ जाएगा आपका K2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2 इंटू A नोट इंटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी C की कंसंट्रेशन। अब यहां से एक चीज देख सकते हैं आप, केवल इसमें K1 और K2 का डिफरेंस है, यानी कि अगर हम क्या कर दें, हम B को C से डिवाइड कर दें, तो B डिवाइड बाय C, तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये K1 डिवाइड बाय K2 के इक्वल आ जाएगा ना।
ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसके लिए, पैरेलल रिएक्शन के लिए। हाँ, कई बार आपको क्या देते दे देते हैं कि आपका क्या करेंगे, वो दे देंगे ए से आपका 3B गया और 5C गया, ये K1 था ये K2 था। अब बताओ क्या होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सी, वो क्या हो जाएगा 3 × K1 डिवाइड बाय 5 × K2। ठीक है, यानी क्या करना है आपको, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दे देना, आपको यहां मल्टीप्लाई कर देना है N1 N2। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ आएगा आपके पास आपका ए तो क्या था, रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट था तो ए तो आपका क्या होगा, कंज्यूम होगा, ए आपका क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अब मान लो आपका K1 मच ग्रेटर देन K2 है, K1 बहुत बड़ा हो गया, K1 बड़ा हुआ तो क्या हुआ, यानी कि K1 ज्यादा तेज है, K1 ज्यादा है, यानी कि B ज्यादा फॉर्म हो रहा है आपका, B ज्यादा फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब B आपका 0 से एक मैक्सिमम वैल्यू पे गया, और सी आपका क्या, सी आपका सी बार यानी कि K2 आपका स्लो है, K2 स्लो है, यानी सी आपका बी से कम है, बी से कम आएगा तो सी आपका ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर दो, K2 को ग्रेटर देन कर दो, K2 इज ग्रेटर देन K1, तो यहां से क्या आएगा आपका, यहां से आपका जो ये होगा ना, ये किस में चेंज हो जाएगा, ये बी आ जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सी आ जाएगी, क्योंकि अब की बार K2 ज्यादा है ना, K2 किसको बना रहा है, K2 सी को बना रहा है, K2 ज्यादा होगा यानी सी ज्यादा होगा, तो यहां से ये आपका आ जाएगा सी। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, तो हमारी ये पैरेलल रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब उसके बाद आती है हमारी क्या, कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, ये कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन, आपकी कॉन्सिक्यूटिव रिएक्शन क्या बोलती है, वो बोलते हैं कि आपका ए से बी फॉर्म होगा और बी से वो सी जाएगा। ठीक है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब यहां देखो, यहां इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, ठीक है, उसके बाद यहां मैंने A-X नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपका जो यहां से बी हो रहा है ना, वो बी भी तो आगे कंज्यूम हो रहा है ना, तो मैंने लिख दिया कि इसकी किसी टाइम टी पे एक्स कंसंट्रेशन रहेगी, इसकी वाई रहेगी कंज्यूम होने के बाद, ठीक है, और जेड फॉर्म होने के बाद जेड की कंसंट्रेशन थी ये। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप क्या लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों के इक्वल आएगा ना, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, उसके बाद इसको हटा दो, इसको हटाओगे आपको क्या दिख रहा है, ए गिव्स बी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर की टर्म में आपकी ए की वैल्यू रख दो, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या आएगी, ए इज इक्वल टू ए नोट इंटू ई रेस टू द पावर क्या आ जाएगा, K1 × T, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहां से आपके क्या, बी की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन होगी आपकी, हमें क्या, सारी हम कंसंट्रेशन लिख रहे हैं ए नोट की टर्म में लिख रहे हैं, तो यहां भी ए नोट की टर्म में लिखो, तो ए नोट आ गया। ठीक है, अब यहां आ जाएगा इसका रेट कांस्टेंट K1 डिवाइड बाय, इसमें आप सारी वैल्यू क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये K2 − K1 × e−K1 × t − e−K2 × t। ठीक है, ये आपके क्या आ गई, ये आपके बी की कंसंट्रेशन आ गई किसी टाइम टी पे। ठीक है, उसके बाद सी की कंसंट्रेशन भी तो होगी ऐसे ही, सी की कंसंट्रेशन को आप दो टाइप से सोल्व कर सकते हो, कैसे सोल्व कर सकते हो, आपका क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया था। ठीक है, ये जेड आपका सी था ना, तो यहां से आपके पास एक्स आ गया, वाई आ गया, आप जेड निकाल सकते हो। ठीक है, जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू आएगी A − X − Y, ए क्या था आपका, ए आपका ए नोट था, एक्स क्या था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, माइनस वाई क्या था कंसंट्रेशन ऑफ बी एट टाइम टी, या तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल लो। ठीक है, यहां से पुट करो सारी वैल्यू और निकाल लो, एक इसका निकालना हुआ है तो आप उसको याद भी कर सकते हो, वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन एट सी इज इक्वल टू ए नोट की टर्म में आएगी कोई भी हो। ठीक है, डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय यहां आ जाएगा आपका वही K2 − K1। ठीक है, उसके बाद आपका K1 पहले आएगा, K1 × e·K1 के साथ आपका K2 आएगा, K2t, और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका −K2 आएगा, K2 के साथ आपका K1 आ जाएगा −K1 × t।
तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कंसंट्रेशन एट टाइम टी, सी की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखो, आपका क्या आ रहा है यहां से, ए से बी बना, बी से सी बना। ठीक है, कोई टाइम तो ऐसा होगा कि बी की आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम चली जाए। ठीक है, कोई टाइम ऐसा आएगा ना कि ए से बी बन रहा है, बी से सी जा रहा है। मान लो हमारा के वन ग्रेटर देन के टू है, के वन ग्रेटर देन के टू यानी हमारा कंज्यूम कम हो रहा है, फॉर्म ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बी का कोई टाइम तो ऐसा आएगा कि बी अपनी मैक्सिमम उस पे कंसंट्रेशन पे चला जाएगा, और वो टाइम भी होगा कि किस टाइम जाएगा। तो आपका जो वो टाइम होता है ना, उसे बोलते हैं हम टी मैक्स, और टी मैक्स होता है आपका एल एन के टू माइनस एल एन के वन डिवाइड बाय के टू माइनस के वन। ठीक है, ये आपका टी मैक्स होता है। और बी की कंसंट्रेशन जब वो मैक्सिमम जाएगा, वो क्या होती है, वो होती है, उसको हम बोलते हैं बी मैक्स। लिखेंगे कैसे इसको, कोई भी कंसंट्रेशन हो, ए नोट की टर्म में ही लिख रहे हैं। ठीक है, ए नोट यहां से आपका आ जाएगा के वन डिवाइड बाई के टू। अब यहां के टू डिवाइड में गया, के टू को सबसे ऊपर लिख दो फिर, के टू और डिवाइड बाय के वन माइनस के टू, ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी बी मैक्स। ठीक है, ये चार पांच फॉर्मूले हैं सारी आपकी किसमें, कंसेक्यूटिव रिएक्शन में। अब रह गए इसके ग्राफ, ग्राफ कैसे आएंगे, इसके ग्राफ आएंगे। अब ए तो आपका वही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है तो ए तो आपका कंज्यूम होगा, ए आपका कंज्यूम हो गया, ये आ गया आपका ए, और सी आपका प्रोडक्ट है, सी प्रोडक्ट आपका बनेगा, तो ये आ गया आपका क्या, सी। अब बी के साथ क्या होगा, अगर बी आपका यहां से हम क्या ले लेते हैं, यहां से हम ले लेते हैं कि आपका जो K1 है ना, वो ग्रेटर देन क्या है, K2। अगर K1 K2 से बड़ा है तो क्या हो रहा है, यहां से अगर K1 K2 से बड़ा है तो आपका ये B तो आपका क्या रहा है, फॉर्म हो रहा है, लेकिन कंज्यूम कम हो रहा है, यानी क्या, बी की कंसंट्रेशन यहां बढ़ती जाएगी ना, बी की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो यहां से आपका बी क्या होगा, बी बढ़ेगा और कंज्यूम आपका कम होगा। ठीक है, अगर लेकिन आपका अगर क्या आ जाए, के टू मच मच ग्रेटर देन के वन आ जाए, के टू के वन से बड़ा हुआ, क्या इसका मतलब क्या है कि आपका ए से बी जैसे जितना भी बना ना थोड़ा बहुत, वो सारा उसी टाइम क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। यानी यहां से क्या आ गया, यहां से आपका क्या आएगा कि B था, B की आपकी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन रहेगी, ये आपका B आ जाएगा। ये किसके लिए आएगा, ये आपका इसके लिए आएगा, और ये आपका इसके लिए आएगा। ठीक है, ये थे आपके ग्राफ। और जो ये वाली कंडीशन होती है ना कि K2 मच मच ग्रेटर देन K1, तो इसको हम बोलते हैं SSA ही कंडीशन होती है। SSA क्या बोलता है, SSA बोलता है आपको कि SSA होता है आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन बोलता है कि जो आपकी शॉर्टली लिविंग स्पीशीज होगी ना, यानी जैसे कि आपके इंटरमीडिएट होगी, उनकी जो कंसंट्रेशन रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ कंजप्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इक्वल होंगे, ये आपका क्या बोलता है, ये आपका बोलता है SSA। जैसे हमने क्या दी हुई है, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है, जब भी आप इक्विलिब्रियम का साइन देखो तो उसे आप क्या मानोगे, फास्ट मानोगे, उसे आप फास्ट मानोगे। जो दूसरी रिएक्शन होगी, जाहिर सी बात है वो क्या होगी, वो स्लो होगी आपकी। और जो भी आप रेट लिखते हो, रेट स्लो स्टेप की टर्म में लिखते हो, तो यहां से आपका रेट क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू के टू इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। अब सी क्या है, यहां पे सी हमारा इंटरमीडिएट है। कैसे पता चला इंटरमीडिएट है, कि ना तो वो प्रोडक्ट में आ रहा और ना वो रिएक्टेंट में आ रहा। जो ना रिएक्टेंट में आ रहा ना प्रोडक्ट में आ रहा, इसका मतलब वो बीच में कहीं फॉर्म हो रहा है ना, बीच में यहाँ फॉर्म होके यहाँ कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, यानी वो हमारा इंटरमीडिएट है। अब इंटरमीडिएट पे हम क्या लगा सकते हैं, सी पे SSA लगा सकते हैं। तो यहां पे लगाओ अप्लाई SSA ऑन सी, सी पे हम SSA लगाएंगे तो सी कहां, सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे में रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका रेट ऑफ कंजप्शन के इक्वल होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन सी के लिए कहां कहां फॉर्म हो रहा है, के वन में फॉर्म हो रहा है ना सी, तो इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या आएगा, के वन इंटू ए इंटू बी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ कंजप्शन के। कंज्यूम कहां कहां हो रहा है, के माइनस वन में भी कंज्यूम हो रहा है, के टू में भी कंज्यूम हो रहा है, तो इसको लिखेंगे के माइनस वन इंटू सी प्लस के टू इंटू सी।
तो यहाँ सी को कॉमन लेगा, सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, सी की वैल्यू आएगी के वन इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाय हमारा क्या आ जाएगा के माइनस वन प्लस के टू, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, इसको रेट में पुट कर दो तो रेट क्या आएगा, रेट आएगा आपका के टू इंटू सी, सी क्या था आपका के वन इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाय के ऑफ माइनस वन प्लस के टू, ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी रेट की वैल्यू आ गई यहाँ पे, यहाँ आपकी रेट किसकी टर्म में आ रहा है, ए और बी की टर्म में आ रहा है, ए और बी आपके रिएक्टेंट है, इसका मतलब ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और आपका क्या आ जाए, यहां से बहुत बार आपको दे देते हैं कि ये इक्विलिब्रियम फास्ट स्टेप दे के रखते हैं आपको क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम फास्ट स्टेप दे के रखते हैं और यहाँ पे आपको के इक्विलिब्रियम दे देते हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम लगा सकते हो कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी ए, सॉरी, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी आपकी सी डिवाइड बाय ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो यहां से भी आप सी की क्या निकाल सकते हो, कंसंट्रेशन डायरेक्ट निकाल के और वहां यहां पे पुट कर सकते हो, ठीक है, ये आपका एस एस से हुआ। उसके बाद आता है आपका अरहेनियस इक्वेशन, उसमें सबसे पहले देखते हैं हम टेम्परेचर कोफिशेंट। टेम्परेचर कोफिशेंट क्या बोलता है कि हमें एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जब भी आप क्या करते हो, लगभग 10 डिग्री इंक्रीज करते हो, किसमें, टेम्परेचर में 10 डिग्री इंक्रीज करने पे जो आपका रेट है ना, रेट 2-3 टाइम्स क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां से आपका क्या आया कि जब आप के टी प्लस 10 निकालोगे ना, तो वो क्या आएगा 2-3 टाइम्स, 2-3 के इक्वल आएगा, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे कि वो 2 गुना बड़ा है वो या 3 गुना बड़ा है, ठीक है। और इसका आपका यहां पे एक और फॉर्मूला होता है, के टू बाई के वन इज इक्वल टू फाइव, फाइव क्या आपका टेम्परेचर कोफिशियंट, रेस टू पावर डेल्टा टी डिवाइड बाय 10, डेल्टा टी क्या आपका, डेल्टा टी है आपका टी टू माइनस टी वन, और ये क्या आएगा आपका, ये आपके पॉजिटिव वैल्यू होगी कोई ना कोई, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया टेम्परेचर कोफिशियंट। उसके बाद आपके आते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। सबसे पहले इनमें से कौन सा एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, कौन सा एंडोथर्मिक का ग्राफ है, कैसे पता करेंगे, देखो हमें पता है क्या कि एक्सो के लिए हमारी क्या होगी, हीट रिलीज होती है, ठीक है, और एंडो में हमें क्या हीट देनी पड़ती है, ठीक है। तो एक्सो के लिए, और जब भी हम थर्मो में भी देखते हैं कि जब भी हीट रिलीज होती है ना, सिस्टम हीट रिलीज करता है, तब हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एंडो में क्या लेते हैं, अगर सिस्टम को हीट देते हैं तो वो पॉजिटिव होती है। तो यहां देखो जो ये वाली वैल्यू है ना आपकी ईए, ये क्या आपकी, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और ईटी आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। अब ये क्या होती है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी आपकी मिनिमम एनर्जी होती है जो आप दोगे कि जो आपकी रिक्वायर्ड है किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी जो आप किसको रिएक्टेंट को दोगे उसकी एनर्जी के अलावा जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आपकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे ईआर आपकी ये इतनी क्या थी, ये आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी थी, ठीक है। इसमें आपने इतनी वैल्यू दी है इसको, ये आपकी क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। और इन दोनों का जो सम होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के इक्वल, ईटी प्लस ईए, ठीक है। और ये क्या आपकी, यहां पे आपके क्या, यहां आपके रिएक्टेंट थे, यहां आपके प्रोडक्ट थे, ठीक है। तो ये आपकी क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ी, इसको हम ईएफ बोल सकते हैं। और अगर हम यहां से बैकवर्ड चले तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हम ई बैकवर्ड बोल सकते हैं। तो यहां से हमारा डेल्टा एच आता है, जो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, ठीक है, ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड आ रहा है। अब यहां देखो ई फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, इतनी वैल्यू है ना ई फॉरवर्ड की, तो और ई बैकवर्ड की इतनी है, यानी कि ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी डेल्टा एच आपका क्या आ गया, पॉजिटिव, यानी कि आपने क्या दिया, सिस्टम को आपने हीट दिया, यानी कि यह किसके लिए आ गया, यह आपका एंडोथर्मिक का ग्राफ आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहां पे देख लो, आपकी रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी थी, ई फॉरवर्ड आपका क्या था, ये था, ये आपका ई फॉरवर्ड था, और ई बैकवर्ड आपका क्या था, ये था ई बैकवर्ड।
तो डेल्टा एच किसके इक्वल आएगा? डेल्टा एच आएगा आपका ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड। अब ई बैकवर्ड आपकी बार ज्यादा है, ज्यादा तो ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी यानी हीट निकली है, हीट निकली है तो किसके लिए आ जाएगा, ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ई ए आपकी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसको, रिएक्टेंट को देने के लिए, प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, ठीक है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। उसके बाद आपकी आती है अरहीनियस इक्वेशन। अरहीनियस इक्वेशन क्या बोलती है, अरहीनियस इक्वेशन बोलती है कि जो आपका जो आपका रेट होता है ना के, रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई इसकी अरहीनियस के लिए, ठीक है। अब यहां पे k क्या है, a क्या है, k आपका क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, a आपका क्या, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर, फैक्टर, ठीक है। और e रेस टू पावर माइनस ई ए यहां पे क्या है आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी, टी आपका क्या है, टेम्परेचर, आर क्या आपका, गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यू आ गई। अब और इसके अलावा हम इसको और क्या बोल सकते हैं, क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है आपका जो ए होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के इक्वल होता है, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कि आपके कितने कोलिजन हो रहे हैं टोटल, ठीक है। और e रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई ए आ रहा है ना इसमें, यानी एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन कैसे हो, यहां पे ई एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है, ई से हिसाब लगा लो कि अगर उसको ई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को वो पार कर रहा है तब प्रोडक्ट दे रहा है, यानी जो इफेक्टिव कोलिजन है उनकी ई फ्रैक्शन है, ठीक है। और अगर आप टोटल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा आपका, ये आपका एक नंबर आएगा ना, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, और जितने आपके नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन होंगे वही तो आपको प्रोडक्ट देंगे, यानी कि उन्हीं से आपको रेट का पता चलेगा, ठीक है। ये इसका क्या था, ये आपकी ये वैल्यू आपको ये सिग्निफाई करती है। उसके बाद इसमें आप दोनों साइड लॉग ले सकते हो, लॉग ले सकते हो, तो एल एन के किसके इक्वल आ जाएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, एक इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको दो रेट कॉन्स्टेंट दे दिए, दो टेम्परेचर दे दिए, वहां से एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो क्या करेंगे, उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है एल एन के टू बाय के वन इज इक्वल टू ई ए बाय आर वन बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, ये आपके टोटल तीन फॉर्मूले हैं जो आपके अरहीनियस इक्वेशन में आए, ठीक है। इसी से निकाल सकते हो आप इसको, क्या एक रेस्ट कॉन्स्टेंट पे एक इक्वेशन आ जाएगी, दूसरे पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को माइनस कर दो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको एक ग्राफ पूछ सकते हैं, किस किस के बीच में, एल एन के और वन बाय टी के बीच में ग्राफ पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। यहां से आपका क्या आ रहा है, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स आ रहा है, तो सर बना देंगे, ये बना दिया हमने, लेकिन ये तो गलत हो गया ना, क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपने इसको यहां पे ज्वाइन कर दिया, इसका ज्वाइन करने का मतलब क्या है, यहां पे 1 बाई टी की वैल्यू जीरो है, 1 बाई टी की वैल्यू जीरो का मतलब t आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट टेम्परेचर लेके जा सकते हो आप, नहीं लेके जा सकते ना, तो ये ग्राफ आपका कहां से आएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे आएगा, ठीक है, इसको आप यहां टच नहीं करोगे। उसके बाद ये आपका जो यहां स्लोप है, स्लोप आपका एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा है, ई ए बाय आर है आपका, ये आर तो आपका कॉन्स्टेंट ही है, तो ई ए बाय आर आपका क्या दे रहा है, यहां पे स्लोप दे रहा है, यहां से एक्टिवेशन एनर्जी आ रही है। तो अगर आपको दो स्लोप दे दिए, ठीक है, अब ये पूछ लिया, मान लो भाई इन दोनों में से बताओ किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा ना,
उसी की एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। यहां से उसके बाद आपका और क्या आ सकता है, हाँ आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों एक्टिवेशन एनर्जी क्यों नेगेटिव हो सकती, अगर आपकी यहां से एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। टोटल नंबर ऑफ कोलिजन में आपको पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि वो क्या हो रहा है, इफेक्टिव कोलिजन से वो ज्यादा आ रही है, जो आपके इफेक्टिव कोलिजन से, इफेक्टिव कोलिजन क्या रहा है, ज्यादा आ रहा है, किससे, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से। ऐसा हो सकता है अगर आपके सारे टोटल के टोटल कोलिजन इफेक्टिव हो जाए तब भी इक्वल आएगा, ज्यादा तो कभी नहीं आ सकता ना, तो इसकी वजह से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसके बाद आपका आएगा ओवरऑल ईए और ए, यहां से आपकी सिंपल से शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको ए ओवरऑल लिखना है ना यहाँ पे, तो वो किसके इक्वल आएगा, बस जो के है ना के की जगह ए लिख दो, ए वन ए फाइव डिवाइड बाय ए टू ए थ्री ए फोर रेस्ट टू द पावर 1/3, ये आपका ओवरऑल ए आ जाएगा। ऐसे अगर आपको ईए ओवरऑल लिखना है, ईए ओवरऑल वो किसके इक्वल आएगा, उसके लिए आपकी ट्रिक क्या होगी, जो भी आपका पावर में है सबसे पहले उसको तो आगे लेके आओ, तो 1/3 पावर में है, ये 1/3 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपका जो आपका ऊपर है उनको तो ऐड कर दो और जो आपके नीचे है उनको सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ईए वन प्लस ईए फाइव माइनस ईए टू माइनस ईए थ्री माइनस ईए फोर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ई ए ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है एंजाइम कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट हमारा होता है वो हमारा क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है वो आपके जैसे मान लो कोई भी हमारी एक रिएक्शन है ये, ठीक है, इसकी ये एक एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड कर देगा। अगर उसका पाथ हुआ इस टाइप से तो उसकी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, उसकी डिक्रीज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, यानी क्या, इसने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर उसने क्या अल्टरनेटिव पाथ इस टाइप से दे दिया, इस टाइप से दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, यानी उसने रेट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यहां से क्या करेगा, कैटलिस्ट कभी भी जो आपकी डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा जी वैल्यू होती है इनको कभी भी चेंज नहीं करेगा, कभी चेंज नहीं करेगा, जो आपकी बिना कैटलिस्ट के वैल्यू है वही आपकी सेम वैल्यू रहेगी। और जो भी आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कभी भी कोई भी कैटलिस्ट स्पॉन्टेनियस में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आपका कैटलिस्ट, और इसमें आपके क्या रहे? अब की बार क्या आ रहा है, एंजाइम कैटलिस्ट। जो आपके एंजाइम होते हैं वो नेचुरल कैटलिस्ट होते हैं, वो किसी सब्सट्रेट के साथ मिलके कोई कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स उसके साथ क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा। ये यहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। तो यहां से जो इसका रेट होगा ना, वो रेट किसके इक्वल होगा, जो रेट होता है वो क्या होता है, R is equal to R max into S divided by S plus Km, ठीक है। तो ये क्या आता है, R is equal to R max, एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम से छोटा होगा, तो यहां पे हम इसको क्या करते हैं, हमने मान लिया कि मैक्सिमम वैल्यू को हम किसी किसे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रैक्शन से। हमने फ्रैक्शन मान ली 5/7, 5/7 को हम लिख सकते हैं 5/5 + 2। अब आपका 5 एस जैसा लग रहा है ना बिल्कुल, यानी आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई एस प्लस 2 को मान लो Km, ठीक है। Km आपका क्या है, Km की वैल्यू होती है आपकी K2 प्लस K ऑफ माइनस 1 डिवाइड बाय K1, और यहाँ पे क्या है, जो K2 K1 है ना, K2 और K1 में जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना ES, ये क्या हो रहा है, आपका कंज्यूम हो रहा है, और K1 में आपका फॉर्म हो रहा है, यानी कि जिसमें आपका कंज्यूम हो रहा है वो आपका ऊपर आएगा, और जिसके में आपका फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या आएगा, नीचे आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेलिस मेंटन कॉन्स्टेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से क्या आएगा, यहां से एक चीज और आती है, अगर आप क्या करो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दो, इंक्रीज करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा एस प्लस के एम को क्या लिख सकते हो, अप्रोक्स एस के को लिख सकते हैं हम यहां से, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, मच मच ग्रेटर देन के एम आ जाएगी। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, इसको एस लिखेंगे तो आर क्या आएगा, आर मैक्स इंटू एस
डिवाइड बाय एस, तो एस से एस कैंसिल, यानी कि ये आ गया जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू किसके, एस के, ठीक है। और अगर हम एस की कंसंट्रेशन को क्या कर दें, कम कर दें, एस की कंसंट्रेशन को कम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इसमें देखो एस प्लस के एम को क्या लिख सकते हैं, हम के एम लिख सकते हैं ना, अप्रोक्स इसमें क्या लिख सकते हैं, एस प्लस के एम अप्रोक्स के एम के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि एस की तो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाय के एम। तो ये क्या हो गया, एस के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ गया, यहां से ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। तो अब इसके बीच में ग्राफ बनाते हैं, यहां पे आपका क्या आ गया, ये आपकी एस की कंसंट्रेशन आ गई, ये आपका रेट आ गया। जब एस की कंसंट्रेशन कम थी तो क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था, एस की कंसंट्रेशन कम पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है। और जब एस की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी तो वो क्या हो गया, वो आगे जीरो ऑर्डर आ गया आपका। एस की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ने लगी, ये आपका फर्स्ट से जीरो ऑर्डर में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसके बीच में ग्राफ आ जाएगा हमारा। उसके बाद इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें हमारे दो टाइप के प्लॉट आते हैं, कौन कौन से आते हैं दो टाइप के प्लॉट हमारे, हाँ ये रहे, एक तो हमारा लिनेवर वर्क प्लॉट होता है, एक हमारा एडी होफ्स्टे प्लॉट होता है। ये कैसे कैसे निकालेंगे हम, ये 1 बाय आर और 1 बाय एस के बीच में होता है। हमारी आर की वैल्यू क्या है, आर इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाय एस प्लस के एम, ठीक है। क्या करो, हमें 1 बाय आर लेना है तो इसको डिवाइड कर दो, उल्टा कर दो इसको, उल्टा करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, यहां से 1 बाय आर इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर मैक्स इनटू एस, एस से एस कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1 बाय आर मैक्स प्लस के एम बाय आर मैक्स इनटू क्या आ जाएगा आपका 1 बाय एस। तो आपका किसके, ये आपकी वाई एक्सिस थी 1 बाय आर, ठीक है, 1 बाय एस आपकी एक्स एक्सिस थी, ये आपका आ जाएगा वाई, ये आपका आ जाएगा एक्स, और के एम भी आपका कॉन्स्टेंट है, आर मैक्स भी आपका कॉन्स्टेंट है। तो एक्स के साथ जो आता है उसको हम लिखते हैं एम, कॉन्स्टेंट वैल्यू को, और 1 बाय आर मैक्स आपका कॉन्स्टेंट आएगा, तो ये आपका एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ये आपका ग्राफ आ गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें से एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू आपकी आ जाएगी के एम बाय आर मैक्स। आपको क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट बोल देते हैं कि लिनेवर वर्क प्लॉट दिया हुआ है आपको, उसमें आपकी स्लोप की वैल्यू ये है, ठीक है। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका लिनेवर वर्क प्लॉट होता है वो 1 बाय आर और 1 बाय एस के बीच में होता है, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, आपको ये तो याद है ना, ये एम और सी की वैल्यू मान लो आपको याद नहीं है, ये तो याद है और ये पता है आपको, डायरेक्ट निकाल लो कितना टाइम लगता है। यहां से आपकी एम की वैल्यू ये आ जाएगी, सी की वैल्यू 1 बाय आर मैक्स आ जाएगी, ठीक है। यहां से आप आर मैक्स और के एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही आपका एडी होफ्स्टे प्लॉट होगा, तो आर की वैल्यू सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए किस किस के बीच में होता है। उसके बाद आर की वैल्यू क्या थी आपकी, आर की वैल्यू थी आर मैक्स इंटू एस डिवाइड बाय एस प्लस के एम। इनको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपका, आर इंटू एस प्लस आर के एम इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस। अब आपको क्या चाहिए, आपको आर बाय एस चाहिए, आर बाय एस चाहिए, तो सारे को क्या करो, एस से डिवाइड कर दो, एस से डिवाइड करेंगे आपका ये आ जाएगा आर प्लस आर बाय एस इंटू के एम इज इक्वल टू आर मैक्स, ठीक है। आर बाय एस और आर चाहिए, आर बाय एस मिल रहा है, आर मिल रहा है, ठीक है। आर बाय एस को अलग कर लो, ये वाई एक्सिस है ना आपकी, आर बाय एक्स, ये वाई है ये एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाओ, तो ये आ जाएगा आर बाय एस इंटू के एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर मैक्स माइनस आर, और के एम से क्या करो, डिवाइड कर दो सारे को, तो आर बाय एस इज इक्वल टू आर मैक्स डिवाइड बाय के एम माइनस आर बाय के एम, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी वाई है, ये आपकी सी है, माइनस एम इंटू एक्स। तो यहाँ पे आपकी एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू आपकी है 1 बाय के एम, ठीक है। C की वैल्यू क्या है, R मैक्स बाय के एम, ठीक है। यहां से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हो। उसके बाद इसमें दो टर्म आती है, एक तो आता है आपका टर्नओवर नंबर,
टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर नंबर आपका होता है कि आपके कितने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बने और उसमें आपके एंजाइम कितने यूज हुए, ठीक है, वो होता है आपका टर्नओवर नंबर। और ये आपका किसके इक्वल होता है? ये आपका के टू के इक्वल होता है, ठीक है। और एक आते आपकी कैटलिटिक एफिशिएंसी, कैटलिटिक एफिशिएंसी होती है आपकी के टू बाई के एम, ठीक है। तो ये था आपका सारा एंजाइम कैटलिसिस। उसके बाद हमारा आता है लिनेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। हमारा पीछे क्या आया था? हमारा पीछे R इज इक्वल टू R मैक्स इंटू S डिवाइड बाय S प्लस KM आया था, ठीक है। इसी से रिलेट करके हम इसको याद करेंगे। इसमें R मैक्स और KM की वैल्यू पुट करो। R मैक्स क्या था आपका? R मैक्स आपका K2 इंटू E नोट, ठीक है, यही था ना। और KM था आपका K2 प्लस K ऑफ माइनस वन डिवाइड बाई K1। इनकी वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, ये आएगा आपका K2 K1 इंटू E नोट इंटू S डिवाइड बाई K ऑफ माइनस वन, सॉरी K1 इंटू S प्लस K2 प्लस K ऑफ माइनस वन। अब इसी से रिलेट करके हम इसको याद करेंगे। इसमें लिनेमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि अगर आपके पास एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है ना, उनके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद एक तो आपका एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, एक्टिवेट होने के बाद वो इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि वो दोबारा कोलाइड करके वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है, और या फिर वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो ये आपकी पिछली इक्वेशन थी जो एंजाइम वाली, उसके जैसी है ना, सेम। तो यहां से आपका क्या आएगा, इसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसका जो आर आएगा ना, वो किसके इक्वल होता है? के टू के वन को ऐसे ही लिख दो, के टू के वन। वहां पीछे E और S था, यहाँ A और A है, तो दोनों की जगह A इंटू A क्या आ जाएगा? A स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका A स्क्वायर, ठीक है। अब K2 के साथ के A आ गया, K1 के साथ भी A आ गया, K-1 रह गया, K-1 के साथ A रख दो, K-1 इंटू A प्लस K2 कर दो, तो इसका रेट आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब सेम वही, अगर आपकी A की कंसंट्रेशन क्या हो, हाँ, ए की कंसंट्रेशन आपकी क्या है? ज्यादा। ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसको क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे, ए से ए कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ, अगर ए की कंसंट्रेशन कम है तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तब क्या आ गए? तब आ गए सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, दोनों ऑर्डर आ गए। उसके बाद हमारा क्या आएगा, इसमें एक हम ऑब्जर्व रेट कॉन्स्टेंट आता है। वो कैसे आता है? अगर हम इसको रिएक्शन को देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमारा ए से डायरेक्ट प्रोडक्ट पी बन रहा है, कोलिजन हो रहा है, वो तो हमने मैकेनिज्म बनाया। हमें ऑब्जर्व क्या होगा, हमारा ए से प्रोडक्ट पी बनेगा, इसका रेट कांस्टेंट मैं के डैश कर देता हूं, और इस के डैश को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व्ड रेट कांस्टेंट। ठीक है, ऑब्जर्व रेट कांस्टेंट है ये आपका। और यहां से अगर इसकी टर्म में हम रेट लिखे तो रेट किसके इक्वल आएगा? के डैश R इज इक्वल टू के डैश इंटू ए। अब जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, इनको कंपेयर करो। कंपेयर करके आपको के डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? के डैश की वैल्यू आपको मिलेगी के टू के वन ए डिवाइड बाय के ऑफ माइनस वन इंटू ए प्लस के टू, ठीक है। के डैश की वैल्यू इन दोनों से हमें यही मिलेगी ना। अब इसमें देखो, इसमें आपका क्या होगा, अगर आपकी ए की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। ए की कंसंट्रेशन हाई है तो के टू को नेगलेक्ट कर देंगे, के टू को नेगलेक्ट करेंगे, ए से आपका ए कैंसिल होगा, तो के डैश की वैल्यू क्या आएगी? के डैश की वैल्यू आएगी आपकी के टू के वन डिवाइड बाय के ऑफ माइनस वन, और इसे हम बोलते हैं के इनफाइनाइट, ठीक है, यानी ऑब्जर्व रेट कॉन्स्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू, के इनफाइनाइट बोलते हैं इसको हम। और अगर इसकी ए की कंसंट्रेशन क्या होगी? लो होगी। ए की कंसंट्रेशन लो ही, इसको हमने क्या कर दिया? नेगलेक्ट कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए। यहां से इससे आएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, यहां से आएगा हमारा ये जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ये कौन निकालना है? हमने के डैश निकालना है। इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाएंगे हमारा क्या आ रहा है?
यहाँ पे हम ले रहे हैं के डैस, ठीक है, और यहाँ पे ले रहे हैं हम ए। तो जब इसके क्या थी, लो कंसंट्रेशन थी, फर्स्ट ऑर्डर था, लो कंसंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर था और हाई कंसंट्रेशन पे क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी जीरो ऑर्डर पे वो के इनफाइनाइट थी, यानी कि जो आपकी ये वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, के इनफाइनाइट बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो हमारी इसके बिल्कुल हाफ में कोई ए पे कोई ऐसी कंसंट्रेशन होगी ना कि इसकी वैल्यू के इनफाइनाइट बाय टू होगी, होगी। तो हमें वो मान लो ए की कंसंट्रेशन निकालनी है, वो ए की कंसंट्रेशन कैसे निकाल लेंगे, हमारा के इनफाइनाइट बनाते हैं यहाँ पे। के इनफाइनाइट क्या है, के टू के वन डिवाइड बाय के माइनस वन, हमारे पास ऊपर के टू के वन तो है, तो के माइनस वन से डिवाइड कर दो, नीचे से हमने के माइनस वन कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा हमारा, के टू के वन डिवाइड बाय के माइनस वन इंटू आपका ए था, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये ए प्लस के टू डिवाइड बाय के माइनस वन, ठीक है। ये आ गया, ऊपर भी हमने के माइनस वन से डिवाइड कर दिया, नीचे भी हमने के माइनस वन से डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारा ए ए आ रहा है, हमें क्या बनाना है, के इनफाइनाइट बाय टू बनाना है ना, ऊपर हमें क्या बनाना है, के इनफाइनाइट बनाना है। तो हमारा ए क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो ए से डिवाइड कर दो, ए से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के टू के वन डिवाइड बाय के माइनस वन डिवाइड बाय ए से डिवाइड कर, ए तो कट गया, नीचे भी ए से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए कट जाएगा, ये आ जाएगा वन प्लस के टू डिवाइड बाय के माइनस वन इंटू ए, ठीक है, ये आ गया। अब हमारा ये क्या, के इनफाइनाइट तो ऊपर हमारा बन गया, नीचे क्या बनाना है हमें, नीचे हम बनाना हमें टू, यानी कि इसकी वैल्यू तो वन है, इसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल रखनी है, वन के इक्वल रखनी है, वन प्लस वन तभी तो हमारा टू आएगा ना, तो इसकी वैल्यू वन के इक्वल रखो, तो के टू बाय के ऑफ माइनस वन इंटू ए इज इक्वल टू वन, और यहां से हमारी क्या आ जाएगा, के टू इज इक्वल टू के ऑफ माइनस वन इंटू ए, और ए की हमारी कंसंट्रेशन क्या आ गई, के टू डिवाइड बाय के ऑफ माइनस वन। तो आपकी जो ये ए पे ये कंसंट्रेशन आई ना, इस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, के टू बाय के ऑफ माइनस वन, ठीक है। तो ये था आपका लिंडमैन यूनिमोलिकुलर थ्योरी। तो अब हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और हार्पुन मैकेनिज्म। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपके ए और बी दो रिएक्टेंट है ना, वो रिएक्ट करके पहले क्या करेंगे, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वो दोनों ए और बी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आपस में क्या रहेंगे, इक्विलिब्रियम रहेंगे एक दूसरे के साथ, और उसके बाद क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट जनरेट कर देंगे, ठीक है। ये आपका इतना अनस्टेबल होता है कि एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो सफिशिएंट होती है आपका प्रोडक्ट जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आपके क्या आएंगे, आपके दो ही फॉर्मूले आएंगे, क्या होते हैं, जो आपका के होता है ना वो किसके होता है, के बी टी बाय एच इंटू ई रेस टू पावर डेल्टा एस हैज बाय आर इंटू ई रेस टू पावर वन माइनस डेल्टा एन जी हैज, ठीक है, इंटू ई रेस टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, के की वैल्यू आ गई। ये डेल्टा एस क्या है, ये आपका एंट्रोपी चेंज है किसके लिए, जो आपका ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। तो यहां से आपका के किसके को लगा, के होता है आपका ए इंटू अर्हीनियस इक्वेशन है ना, माइनस ई ए बाय आर टी, तो माइनस ए बाय आर टी तो यहां भी है, के यहां भी है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है जो हमारा, ये वैल्यू हमारी किसके लिए आ जाएगी, ए के लिए आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो आपकी एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच हैज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा ई ए प्लस डेल्टा एन जी हैज माइनस वन इंटू आर टी, ठीक है, ये आपका इसके इक्वल आएगा। अब ये डेल्टा एन जी हैज क्या है, डेल्टा एन जी हैज आएगा आपका वो होता है वन माइनस मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्या आएगी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के लिए वन हो जाएगा, बायमोलिकुलर रिएक्शन के लिए टू हो जाएगा। तो यहां से आप डेल्टा एन जी हैज की क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी दो चार फॉर्मूले थे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के। तो उसके बाद आता है आपका हार्पुन मैकेनिज्म, ये आपका नया टॉपिक है। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें मेनली होता है, मान लो आपके पास क्या है, दो रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या आपके पास दो रिएक्टेंट, ठीक है, एक है आपका मेटल, एक आपका नॉन मेटल। तो इसमें क्या होता है, जब ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे आते हैं ना,
तो आपका जो मेटल होता है ना, वो मेटल आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, और जो आपका नॉन मेटल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लेता है। तो इसमें आपके क्या क्या दो चीजें रोल में आ रही है, आप मेटल का इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी रोल में आ रही है, ठीक है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रोल में आ रही है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला आता है आयनाइजेशन एनर्जी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, आर आपका जिस डिस्टेंस पे वो है, ठीक है। यहां से आपका एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आपका यहां से आर आ रहा है, ठीक है, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन, आपका रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर के इक्वल। तो सेकंड फॉर्मूला आपका ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ गया सेकंड फॉर्मूला। तो इसमें आपके ये दो ही फॉर्मूला, इन्हीं के बेसिस पे आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपसे रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ लेंगे, जो आपके पास जैसे क्वेश्चन आया था, रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया पूछ लिया, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, इसकी वैल्यू दे दी, आर हम यहां से निकाल लेंगे और पाई आर स्क्वायर में पुट कर देंगे, ठीक है। मान लो अब यहां से एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आपसे जैसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया कि आपसे चार रिएक्शन दे दी, उनमें सभी में नॉन मेटल सेम है, ठीक है, नॉन मेटल सेम है, मेटल सब में अलग अलग दे दिया, अब बताओ किसका रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज्यादा होगा। रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होने के लिए आपकी आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, आर की वैल्यू अगर यहां पर ज्यादा होगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ओवरऑल ये कम होगी। अब हमारा नॉन मेटल क्या हो गया, सेम हो गया सभी के लिए, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कोई रोल नहीं है फिर अब यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को कम करना, तो जाहिर सी बात है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, यानी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसका रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन सबसे ज्यादा, ठीक है। मान लो क्या कह लिया, नॉन मेटल आपको क्या कर दिया, मतलब मेटल आपको सेम दे दिया, अब की बार मेटल सेम दे दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी का कोई रोल नहीं रहेगा, हमें क्या देखना है, हमें सभी नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखनी है। अगर ये इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम करनी है ना, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका रिएक्टिव क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। ये सिंपल से दो फॉर्मूले थे इसमें। उसके बाद हमारा आता है क्या, ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस। ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्बेंस के दो चार हमारे फॉर्मूले होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमारा ट्रांसमिटेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर आई हमारी इंटेंसिटी जो बाद में आई है और हमारी इनिशियल इंटेंसिटी आई नोट थी, तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसमिटेंस होता है। और एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एब्जॉर्बेंस होता है आपका एप्सिलॉन सी एल, सी आपकी कंसंट्रेशन होती है, एल आपकी लेंथ होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपकी किसकी टर्म में होगी, मोल पर लीटर की टर्म में होगी, ठीक है, लेंथ आपकी सेंटीमीटर में होगी यहाँ पे, एप्सिलॉन आपका एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट बोल देते हैं इसको, ठीक है, और मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इसको। तो इसकी जो अब ए होता है आपका, ए हमेशा क्या होता है, यूनिट लेस होगा, ए हमेशा यूनिट लेस होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यानी इसको यूनिट लेस बनाने के लिए इसकी इनका इनवर्स होगा यूनिट का, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर का क्या कर दो, इनवर्स कर दो, साथ में सेंटीमीटर का इनवर्स कर दो, इसकी यूनिट ये आ जाएगी, ठीक है। और यहां से हम और क्या लिख सकते हैं, जो ए होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, इसके इक्वल भी होता है। टी की वैल्यू आप आई बाय आई नोट यहां से पुट भी कर सकते हो। एक और, अगर आपको क्या टी को किसमें दिया हो, टी को परसेंटेज की टर्म में दिया हुआ है, तो अगर आपको ए निकालना है तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 2 माइनस लॉग परसेंट टी, या परसेंटेज में ही आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या हो सकता है, हाँ, ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए की मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 हो सकती है, एक से ज्यादा ए जा ही नहीं सकता कभी, ठीक है। एब्जॉर्बर 1 भी कब होगी, जब आपने जितनी लाइट दी सारी की सारी एब्जॉर्ब होगी, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, 4-5 फॉर्मूले थे। उसके बाद आपकी क्वांटम एफिशिएंसी, क्वांटम एफिशिएंसी क्या होती है, फाई होती है आपकी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एनर्जी एब्जॉर्ब्ड,
यानी कि आपका कितना अमाउंट का आपका रिएक्टेंट का कंज्यूम हुआ और आपकी कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। अब फाई आपका क्या होता है, यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस होगा। तो ये यूनिट लेस होगा तो जाहिर सी बात है इसका, अगर ये मोल में लिया हुआ है ना हमने, अगर उसका हमारा अमाउंट मोल में कंज्यूम हुआ तो हमें एनर्जी भी मोल में लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे अगली वाली वीडियो में, हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा आपको, उसमें करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट आपका जेब्लोंस्की डायग्राम, देखो कितना सुंदर डायग्राम बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपका जेब्लोंस्की डायग्राम। जेब्लोंस्की डायग्राम आपका क्या होता है, जेब्लोंस्की डायग्राम आपका ये एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जितनी भी टाइप की आपकी जो ट्रांजिशन होती है ना किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, उनकी जितनी भी आपकी रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव जितनी भी आपकी कौन सी होती है, जो भी आपकी रेडिएटिव और आपके जो नॉन रेडिएटिव, ठीक है, जो भी आपकी रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, उनको आपका ये जेब्लोंस्की डायग्राम दिखाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ये आपकी क्या होती है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट होती है, ये आपकी क्या होगी, ये आपकी ग्राउंड स्टेट होगी। ठीक है, ग्राउंड स्टेट और आपकी ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होती है, ये आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की थोड़ी एनर्जी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों जाती है, ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होती है थोड़ी, यहाँ नहीं होती, तो इनकी एनर्जी क्या होती है, थोड़ी ज्यादा होती है ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, आपकी कोई लाइट आएगी, ठीक है, आपकी क्या आएगी, आपकी कोई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या जो लाइट होगी, लाइट को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ से ये आपकी क्या होगी, आपकी एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, एब्जॉर्बेंस होके जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से वो अपनी एनर्जी या दो टाइप से एमिट कर सकता है। ठीक है, एक तो वो रेडिएशन के थ्रू, एक वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के थ्रू। तो जितनी भी मैंने आपको इस टाइप से रेडिएशन दिखाई है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है नॉन रेडिएटिव, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी बता रही है नॉन रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, और जितनी मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से दिखाई है, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी रेडिएटिव ट्रांजिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले है यहाँ पे ये, अगर आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो किसी और नीचे सिंगलेट ही एक्साइटेड स्टेट में ऑफ लोअर एनर्जी में अगर वो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो ये आपका क्या हो गया, आईसी होता है आपका इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन आईसी आपका क्या होता है, आईसी आपका सबसे पहली चीज जो आपका आईसी है वो क्या है, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपकी नॉन रेडिएटिव है। नॉन रेडिएटिव का मतलब क्या है कि जो आपकी वो एनर्जी को एमिट करेगा वो या तो वो हीट की फॉर्म में एमिट कर देगा, यानी वो कोई रेडिएशन नहीं देगा। ठीक है, वो आपकी हीट की फॉर्म में, यानी कि जो कोलिजन वगैरह होते हैं, कोलिजन के थ्रू वो आपकी क्या कर दे, अपनी एनर्जी को हीट के थ्रू एमिट कर देगा, हाइयर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, क्या होता है, इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, और क्या होता है, एक आपकी नॉन रेडिएटिव एक और प्रोसेस होती है, वो आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। आईएससी क्या है, आईएससी आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी आपके क्या है, नॉन रेडिएटिव है, यानी कि यहां भी वो आपके क्या करता है, हीट की फॉर्म में ही एनर्जी को एमिट करता है। लेकिन आपके इंटर सिस्टम कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में आपका एक डिफरेंस है, ये क्या है, यहाँ पे आपका वो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, मान लो S2 से S1 में जा रहा है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ही एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है जिसकी लोअर एनर्जी है। लेकिन यहाँ क्या आपका, यहाँ वो आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से आपकी T2 मान लो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जब जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो यहां भी आपकी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट थी, यहां आपकी ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट थी, जब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये दोनों आपकी क्या होती है, ये दोनों आपकी नॉन रेडिएटिव होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है रेडिएटिव। रेडिएटिव कौन सी होती है, रेडिएटिव होती है आपकी फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस। फ्लोरोसेंस सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले तो आपकी क्या होती है, ये रेडिएटिव होती है।
दिया। रेडिएटिव का मतलब क्या है कि ये जो अपनी एनर्जी एमिट करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, एक वो रेडिएशन एमिट करता है जिसकी मान लो वो HNU की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि यहाँ से आपकी रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी एमिट होती है, तो ये आपकी है फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है कि जो आपकी फ्लोरोसेंस होती है ना उसमें वो आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है, वो कहां से आएगा, सिंगलेट से सिंगलेट में आएगा। लेकिन आपका फॉस्फोरोसेंस में क्या होता है, फॉस्फोरोसेंस में आपका वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आएगा, यहां आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, यहां आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो ये होता है आपका फॉस्फोरोसेंस, ठीक है। अब इनके हम रेट की बात कर लेते हैं कि कौन सी आपकी, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें, अगर हम इनकी स्पीड की बात करें तो सबसे फास्ट तो आपकी क्या होती है, आपकी एब्जॉर्बेंस सबसे फास्ट होती है, ठीक है, तो मैं उसको ए से डिनोट कर देता हूं, तो आपकी एब्जॉर्बेंस सबसे फास्ट होती है, उसके बाद आपकी कौन सी होती है फास्ट, उसके बाद आपकी आती है नॉन रेडिएटिव, जितनी होती है नॉन रेडिएटिव, जो आपकी नॉन रेडिएटिव होती है वो उसके बाद आती है, ठीक है, उनकी स्पीड उससे कम होती है, और उसके बाद सबसे कम स्पीड होती है आपकी रेडिएटिव की, ठीक है। ये आपकी क्या होता है, ये आपका उनका स्पीड का ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर हम टाइम देखें, ठीक है, अब रेडिएटिव में जो आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होती है, इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दोनों का क्या होता है, दोनों का रेट लगभग सेम होता है, लेकिन रेडिएटिव में क्या होता है, रेडिएटिव में आपकी फ्लोरोसेंस फास्ट होती है। फ्लोरोसेंस फास्ट क्यों होती है, क्योंकि वो सिंगलेट से सिंगलेट में आ रही है, लेकिन यहाँ ट्रिपलेट से सिंगलेट में आ रही है, ये आपका फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, तो ये आपकी टाइम लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेडिएटिव में क्या आएगा, रेडिएटिव में आपकी फ्लोरोसेंस आपकी फास्ट होती है और फ्लोरोसेंस आपकी सबसे स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। अब यहां से अगर हम क्या बोले, अगर इनका हम टाइम बोले कि टाइम टेकन बाय, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, अगर स्पीड इसकी सबसे कम है तो सबसे ज्यादा टाइम लेगी ना वो, तो जो फॉस्फोरोसेंस का जो टाइम होता है, टाइम का रिलेशन इनका रिवर्स हो जाता है, फॉस्फोरोसेंस का सबसे ज्यादा टाइम होता है, ठीक है, उसके बाद आपकी फ्लोरोसेंस आएगी, फिर आपकी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन आएगी, और सबसे लास्ट में आएगी आपकी अब्जॉर्बर, ठीक है। ये इनका क्या होता है, इनका टाइम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी एक टर्म आती है ऑब्जर्व लाइफ टाइम फॉर एक्साइटेड स्टेट, ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम फॉर एक्साइटेड स्टेट। जो आपका ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम टाउ नोट से डिनोट करते हैं, और वो आपका किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है 1/KF प्लस KISC प्लस KIC, ठीक है। ये KF, KISC और KIC क्या है, KF आपका रेट कांस्टेंट है किसका, फ्लोरोसेंस के लिए, KISC आपका रेट कांस्टेंट है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के लिए, और KIC आपका रेट कांस्टेंट है इंटरनल कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है ऑब्जर्व लाइफ टाइम फॉर एन एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद आपका आता है क्वांटम यील्ड फॉर फ्लोरोसेंस, क्वांटम यील्ड फॉर फ्लोरोसेंस आपका किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा जो इसमें आप केवल के आपका, इसकी मैं आपको डेरिवेशन यहां पे करके नहीं दिखा सकता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, इसमें आप KF को मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, KF प्लस KISC प्लस KIC, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस है, ठीक है। ऐसे क्वांटम यील्ड ऑफ फॉस्फोरोसेंस किसके इक्वल आएगा, इसमें आप पहले KP का मल्टीप्लाई करो, KP का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका KF प्लस KISC प्लस KIC, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे एक और टर्म आ जाएगी, KISC डिवाइड बाय KP प्लस KISC, ठीक है। तो ये आपकी किसकी है, ये आपकी है फॉस्फोरोसेंस के लिए क्वांटम यील्ड, ठीक है, क्वांटम यील्ड ऑफ फॉस्फोरोसेंस।
ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपकी एक टर्म आती है क्वेंचिंग। क्या आती है? क्वेंचिंग। अब सर क्वेंचिंग क्या होती है? क्वेंचिंग आपकी जो क्वेंचिंग आपकी कोई भी एक प्रोसेस है, ठीक है, वो आपकी कोई भी एनर्जी ट्रांसफर प्रोसेस हो सकती है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस हो सकती है, या कोई भी आपकी साइड वाइज रिएक्शन हो सकती है, जो क्या करे, जो आपकी ये क्वांटम यील्ड आ रही है ना किसी भी प्रोसेस के लिए, जो उसकी क्वांटम यील्ड को क्या कर दे, उसके क्वांटम यील्ड को कम कर दे, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है? क्वेंचिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेंचिंग क्या है? क्वेंचिंग आपकी एक प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, वो मान लो कोई साइड बाय रिएक्शन है, ठीक है, वो आपकी क्या करती है, वो आपकी जो किसी प्रोसेस के लिए कोई एफिशिएंसी आ रही है ना उसको कम कर देती है, उसकी क्वांटम यील्ड को कम कर देती है, ठीक है, तो वो क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी क्वेंचिंग होगी। ठीक है, मान लो हमारे पास एक क्वेंचर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्वेंचर है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन क्यू है, ठीक है, और इसका जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट आपका के क्यू है, ठीक है, तो अगर वो फ्लोरोसेंस की, अगर वो फ्लोरोसेंस की क्वांटम यील्ड को क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, तो अगर हम क्या करें, रेशो ले ले क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर डिवाइड बाय क्वांटम यील्ड ऑफ फ्लोरोसेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपका, अब यहां से एक चीज देखो, जो आपका क्वेंचर होगा इसकी क्या करेगा, इसकी क्वांटम यील्ड को कम कर देगा, कम कर देगा, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आपकी बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू आपकी क्या है, छोटी है, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली वैल्यू छोटी है, तो वो आंसर क्या आएगा आपका, वन प्लस कुछ आएगा, वन से ज्यादा आएगा, तो इसको कर दो वन प्लस, ठीक है, वन प्लस किया, अब आपको टाउ नोट तो पता है ना, ठीक है, टाउ नोट लिख दो, टाउ नोट क्या है, वन बाय के एफ प्लस के आई एस सी प्लस के आई सी, ठीक है, यहां पे क्या करो, यहां पे के क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, के क्यू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूं, phi f नोट डिवाइड बाय f इज इक्वल टू वन प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ नोट लिख सकता हूँ, टाउ नोट इंटू के क्यू इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ क्यू, ठीक है, इसको मैं कुछ इस टाइप से भी लिख सकता हूँ ना, तो ये आपके क्या आ गए, ये आपके आगे स्टर्न वोल्मर इक्वेशन, स्टर्न वोल्मर इक्वेशन, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है स्टर्न वोल्मर इक्वेशन, ठीक है, क्वेंचिंग के लिए। तो ये थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, आपको मेरे ख्याल से सब कुछ समझ आया होगा, ठीक है, आपके यहाँ से आपका सारा थ्योरेटिकल पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का लगभग आपका सारा पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन होंगे, तो जितना भी आपने यहाँ पढ़ा है इनके कंसेप्ट आप उन क्वेश्चन में लगा के देखेंगे, ट्राई करेंगे उन क्वेश्चन को, ठीक है, और वहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ जो एक आधा जो आपका टॉपिक यहाँ रह गया होगा, ठीक है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो यहाँ से आपकी सारी केमिकल काइनेटिक्स आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, आई होप यू लाइक इट, ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।